Are you ready? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी ऑडियंस और आप लोग कैसे? क्या हुआ यहाँ पे? बिल्ली 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 जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद है। बिल्लियाँ आए तो फिर तुम जेरी, पता है ना जेरी कौन है? छोटा सा मोटा सा चूहा है। तो उनके बारे में छोड़ो, अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? और तुम यहाँ क्या इधर से उधर फिरते रहते? जुमा बात इधर आओ, तुम्हें मैंने देख लिया। वालेकुम सलाम, इधर आओ। तुमको मैंने देख लिया तुम हरकतें कर रहे थे। बताओ यार, दानिश दानिश सब चिल्ला रहे होते, अच्छा नहीं लग रहे तुम। तुम्हारा गेम शो का नाम है छोटा दानिश तैमूर का गेम शो, ऐसा चलेगा। लेकिन वो गेम शो जब बनेगा, जब तुम ये परफॉर्म करना मेरे गेम शो में, तुम यहाँ प्लेयर हो और प्लेयर बन के रमा रहो। प्लेयर से याद आया ये, अरे ये क्या हो गया? आज सूरज कहाँ से निकल पड़ा? तीनों एक साथ एक ही टीम में खेलेंगे क्या? पक्की बात है, इतना प्यार हो गया है। तो फिर जब म्यूजिकल चेयर खेलने आएंगे तो फिर आपका मुकाबला सिर्फ अभिया से रहेगा। अभिया तुम्हें निकाल दिया टीम से, अब तुम देख लो। ये वही रवि का है जो तुम जिसको तुम कहती हो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। ये तीनों लड़कियां हैं, सिर्फ तुम नहीं हो, देख लो। कोई बात नहीं दानिश सर, मुझे अकेले रहने की आदत है। एक तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ये इमोशन से इतने भरपूर हैं कि फौरन सिर्फ मैं इनको कोई फुल टॉस बॉल देता हूँ, ग्राउंड से बाहर छक्का मार देते हैं। सर एक बात बोलूंगी, मुझे अकेले रहने की आदत है और मैं पिछले 25 सालों से अकेले रह रहा हूँ। अकेले रह रखे मैं चैंपियंस में आ गया, उसके बाद मैंने आके ऑडिशन भी दिया लेकिन मैं जीत नहीं सका मैं। हाँ भैया भैया, ऐसा कुछ है तुम्हारे साथ? ऐसा तो नहीं है ना? फिर कैसा है? मुझे हकीकतों में रहने की काफी आदत है। अपी तुम खामोश। हाँ मैं हकीकतों में ज्यादा रहती हूँ, इसलिए। अच्छा चलो फिर, हकीकत के अंदर आप ज्यादा रहती, ज्यादा प्रैक्टिकल हो आप। प्रैक्टिकल से याद है, प्रैक्टिकल तो आपका ये वाला भाई भी है जो गाने बनाता है तो उसमें अपने बड़े भाई को भूल जाता है, खुद जाके शूट करके आ जाता है पता नहीं कैसे। सर आपको बुलाने के लिए ना मुझे पगले प्यार से एक दफा बोलता तो दानिश भाई आए, हम फरारी मंगा रहे हैं, आप उसमें से उतरेंगे, गर्ल्स की पार्टी को थोड़ा ग्रैंड करेंगे, इतनी सारी लड़कियां निकलेंगी, आप आएंगे तो गाना शुरू होगा। और देखो इनकी हरकतें ऐसी हैं, इनको लग रहा है कि मैं इनको देख नहीं रहा। ये कहाँ लड़कियों के पास घूम रहे हो तुम खैरियत से हो? है तुम्हारा कट, मेरा मतलब है इधर आओ कट, इधर आके बैठ जाओ अपनी जगह पर। यहाँ किसको देख रहे हो? शहताज को नहीं देख रहे थे? शहताज इधर देखो, शहताज को देखना होगा ना, तो शहताज कैसे देखेगा? तुम्हारी गर्दन इतनी थी है? कैसे, किसने कराई? वापस दोस्ती हो गई? सुना नई वीडियोज आ रही है? हाँ मुझे भी बहुत सारी टैग हुई हुई है। फिर से खरीद अभी बनाई है? वो कह रहे हैं अभी बनाई है सेट पे, मुझे सबकी खबर मिल रही। तुम क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो है? और एक बंदा समझ रहा है कि वो लेट आएगा, उनको पता नहीं चलेगा कि वो लेट आया। अभी बताता हूँ, वो तुम्हारा दोस्त ही है। इधर आओ जरा। कौन सी लैंग्वेज में बताऊँ मैं तुम्हें? एक तो ये आदमी इतना बड़ा, अब देखो अगर मैं इसको यूँ पकड़ूँ तो ये क्या लगता है ये बताओ? अब स्क्रीन के ऊपर ये लग रहा है कि इतने बड़े आदमी को दानी भाई पकड़े, इसको बार बार बोल मेकअप नहीं, मेकअप नहीं करता। मेकअप तो तुम नहीं करते होगे तो फिर लेट, तुम्हारी आंखें लाल क्यों होती? यार तुम इधर लाल क्यों होती तुम्हारी आंखें? माइक लाके तो इसको, इसकी आंखें लाल क्यों? तुम नहीं पता ना कि आंखें लाल क्यों है? तुम बैठ जाओ। तुम यहाँ बैठ के इनको देखने का नाटक ना करो मेरे सामने। ये बैठ के देख वही रहे तुम्हारी नजर में देख रहे हो। ये देखो शरीफ आदमी, ये सिर्फ यहाँ गेम खेलने आता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, बालों का रंग उड़ा लेगा और क्या, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी प्रैक्टिस कर लेगा। हाँ बोलो। तुम लोगों को देख के कल अचानक से एक क्लिप चल रहा था, जी बैठिए प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठे, और जो जहां जहां बैठता है वो वहीं आके बैठ जाए जरा जल्दी से। चलो भाई तुम लोग मुझे कल याद आए। अरे आ गए आप भी, कहाँ थे, आए ना इधर, ढल नहीं थे आप? सर दरअसल मैं पहले से आया था, यहाँ एक काम था। क्या बोला आपने, क्या थे? पहले से कब थे? मार ले सर। नहीं मार तो लेंगे, गलती है तो पिटाई तो होगी, लेकिन कहाँ थे भाई तुम का मेकअप वेकअप के चक्कर में पड़ गए? तुम ठीक ठाक शक्ल के आदमी हो माशाल्लाह। हैं यहाँ पीछे खड़ा था। क्यों पीछे क्यों खड़े हुए थे? और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही है?
अब्दुल बासित पानी गया आंखों पे, मैं दोनों आंखों पे मार के पानी बाहर निकाल दूं। भड़े आगे सोकर आ रहे, इतना लेट सोकर उठते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? यार इनको देखकर वो कल एक क्लिप चल रहा था यूट्यूब पे, मैंने देखा, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म थी, शायद किक नाम था, उसमें वो सलमान खान जो होता है वो जैसे ही उसको बोलता है तो नवाजुद्दीन के जो चार बंदे होते हैं उनको मार के इधर उधर गिरा देता है वो चारों बाउंसर्स को। उसके बाद नवाजुद्दीन देखता है, तुम लोगों को देख के मुझे वो याद है। कल जीता कौन है, कल कौन जीता? हम जीते, टिकटॉकर जीते। इनके अलावा तुम जो बाकी टीम सुनो कि यार तुम सबको मैंने क्वेटा से बुलाया, सालों तुम लोगों को मैंने पता नहीं पाकिस्तान के कौन कौन से शहर से बुलाया, फर्स्ट क्लास का टिकट दिया, स्टे दिया तुम लोगों को, खाना खिलाया एक नंबर, देखो तुम लोग रोज हारता है। रोज हार रहे ये लोग, रोज हारने आ रहे। एक टीम, एक बंदे को मैंने बुलाया क्वेटा से, देखो इस बंदे ने आके बताया है कि ये हीरो, हीरो हो ना तुम, है मजाक करो, बैठ जाओ बैठ जाओ। पहले दिन बता दिया हीरो और विलन में ही हूँ, बाकी तुम लोग कुछ हो चुके। हैदराबाद से? नहीं, हैदराबाद में थोड़ी जाता यार ये, क्वेटा से। क्वेटा में सबसे मशहूर आदमी, क्वेटा में सबसे मशहूर आदमी यही है। हाँ हाँ, क्यों वो कुछ और बोल रहे हैं, मुझे किस सेंस में मशहूर आदमी है ये बता दूं लाइव? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। अंडरटेकर वाली आवाज, अंडरटेकर वाली आवाज, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर। तो तुम निकालो नेचुरली। मुझे नहीं आती। चलो जी शुरू करते हैं सबसे पहले। हाँ सुना है आपको इस क्या क्या कहते हो सुना तुमने शो में? मतलब जब वॉलंटियर वो ऑडियंस होती थी तो उस टाइम पे एक बंदा आया था, आवाज क्या बोला था उसने? काफी मेमिक्री कर रहा था, तो उसमें आपने तीन चार लोगों की आवाज निकाली। हाँ कुछ ट्राई किया था लेकिन बहुत अच्छा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो भाई रेडी करें, चलो भाई जल्द। हाँ बोलो ना, बोलो। अच्छा ठीक है, ये क्या है आज? कोई नहीं मनाता यहाँ पर, मुझे याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। क्या 14 फेब आज 14 फेब है? ओ शिट, और तुम क्यों तैयार होकर आई उतना? शायद मैं बता रहा हूँ इन लोगों को, मैं चुप करा के बैठा हुआ, वहां जाऊंगा तुम्हारे पास, 14 फेब तुम्हारा ही नाम रख दूंगा। वैलेंटाइन है अप्पी वैलेंटाइन? यहाँ कोई वैलेंटाइन वैलेंटाइन नहीं होता, यहाँ सिर्फ गेम शो होता है, और यहाँ जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। हंसने की जरूरत नहीं, ज्यादा आराम से। रेड लिपस्टिक खैरियत है? पूरे सीजन में कभी नहीं लगाई। किसने बोला? मैंने नहीं लगाई। है नहीं, इसको छोड़ो, तुम अपनी बात करो, तुम तुम्हारे ऊपर है। पता है आपको, इसके बैग में फूल रखे हुए। जरा उधर माइक दो, जरा इसको माइक दो, जरा इसको माइक माइक दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फूल लेकर आए हो? मुझसे एक साल हो गया यहाँ पर खेलते हुए, अपने बड़े भाई को तो कभी फूल या पत्ते नहीं दिए। फूल किसके लिए लाए हो? शहरोज को, शाहजेब को, है तुम्हें डिस्कवर किया यहाँ बोल वालों ने, बोल के लिए तो कभी कुछ नहीं लाया, फूल लेकर आया किसके लिए लाया हो? बोल वालों ने लाल रंग पहना हुआ है। ये तो हमने तुम्हें, ये भी हमने ही दिया तुम लाए क्या हो आज? क्या वैलेंटाइन वगैरह क्या होता? हमारे यहाँ होता वैलेंटाइन, हमारे यहाँ वैलेंटाइन शादी के बाद होता है। वो झूठ बोल रही है, आई लव यू, ये होता है शादी के बाद। चलो जाके बैठ जाओ, उधर मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ जब शादी वादी जाना, जब करना ही बात है आगे। चलो यहाँ से, चलो जी शुरू करेंगे ये वैलेंटाइन, वैलेंटाइन घर पे होंगे। हाँ बोलो वैलेंटाइन, मतलब बोलो। 14 फेब आपने बोला है, वैलेंटाइन डे होता है, मतलब के क्या होता है वैलेंटाइन डे? क्या मैं वो कह रहा हूँ, क्या होता है ये वैलेंटाइन डे? फर्क पड़ता है सर, तुम बताओ ना क्या होता है? हम लोग सिंगल है सर, सिंगल ही खुश है, और इंशाल्लाह ताला जब शादी करेंगे, शादी चलो, करेंगे। चलो इसी बारी में आमिर ने बता भी दिया कि हम तो सिंगल है भाई, हम तो अवेलेबल भी है, तो हम कूल है सर, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना सिंगल रहे, खुश रहे। वैलेंटाइन डे क्या होता है? अगर प्यार करें तो हर रोज आपके लिए वैलेंटाइन है जी। अगर प्यार किसी से हो जाता है तो हर रोज है ना सर? प्यार शादी के बाद होता है, पहले निकाह होता है, उसके बाद जब बीवी बन जाती है तब प्यार होता है, उसके बाद वैलेंटाइन ही वैलेंटाइन बनाते रहो। उससे पहले या किसी ने बनाया वैलेंटाइन तो मैं उसका अर्जेंटाइन बना दूंगा। बैठ जाओ, है सिंगल हूं मैं। हाँ तुम्हारा कोई गाना आ रहा होगा वैलेंटाइन के ऊपर? नहीं नहीं, फिर क्या है भाई? जिंदगी सॉन्ग तो एक साइड पे रह गया। मैं बोल रहा हूँ जिंदगी में अगर आप आ जाओगे ना जिंदगी सॉन्ग में, तो सर मेरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या कह दिया इसने? सर जिंदगी सॉन्ग में अगर आप आ जाएंगे ना मेरे सॉन्ग में, तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उमर तुम्हारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बदल चुकी है यहाँ बोल पे आकर, तुम्हें सब जानते हैं। अब देखो, सबको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि तुम लोग, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मेरी जिंदगी के 6 साल जी चुके हो इस 1 साल के अंदर। जहां पहुंचने में मुझे 5-6 साल लगे थे, वहां तुम लोग पहुंच गए। अब फर्क यह है मुझ में और तुम में, जो मुझे अभी लगता है, मैंने बहुत हार्डकोर मेहनत की है,
मैंने राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे बहुत मेहनत की है, पीछे पलट के नहीं देखा मैंने मेहनत करके, सिर्फ इसलिए कि मुझे कहीं जाना था, कुछ मेरा टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पहुँच भी गया, लेकिन स्टिल अब भी अगर मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं रोज़ के रोज़ मेरा वही रूटीन है जो मैं फर्स्ट डे से करता हूँ। आज भी आई मीन इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम मैंने सॉफ्ट ड्रिंक पूरी कब पी थी। सही है, आइसक्रीम साइड पर रख दो, ये तो मैं बता रहा हूँ कि मैं किस तरह ट्रेन हुआ हूँ। मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मैं टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे उठता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ इस लेवल पे आके मैं बोलूँ नहीं यार अब तो मैं दानिश तैमूर बन गया, अब ज़रूरत नहीं, लेकिन रोज़ के रोज़ आदमी का इम्तिहान अपने आप से है। मैं किसी और से कम्पीट नहीं करता, मेरा कंपटीशन हमेशा मेरे आप मुझे अपने आप से होता है कि मैंने अपने आप को कैसे बार बार हराना है। और अब इस लेवल पे आके मैं कैसे हराऊंगा, उसके लिए मुझे नए गोल सेट करने पड़ते हैं। अब यहाँ आके मेरे गोल्स मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो तुम लोगों को बताने का मकसद ये है अपने गोल्स बना के रखो, अपने टारगेट ज़िंदगी के बना के रखो। इतने टाइम के अंदर मैंने यहाँ पहुँचना है, उसके दौरान जो भी मेहनत लगी कि मैं करूँगा, वहाँ तक पहुँचना ना पहुँचना अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन मेहनत करो बस। सही है, तो उमर मेरे पास टाइम हुआ, लाइफ कह रहा हूँ अगर मेरे पास टाइम हुआ, अगर मैं अवेलेबल हुआ तो एक शॉट के लिए ज़रूर आऊँगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से शुरू करते हैं आज का गेम शो। हो जाए सबसे पहले म्यूजिक, बजाओ तालियां। चलो भाई कब जीतोगे, क्या हो गया तुम लोगों को? आप लोगों की याद दिहानी के लिए बता रहा हूँ, सबसे आगे टिकटॉकर जा रहे हैं, फिर दूसरे और तीसरे नंबर तुम लोग बराबर हो। आखिरी नंबर में जो टीम है जो यहाँ पर सिर्फ पार्टिसिपेट करने आ रही है और बातें करने आ रही है बड़ी बड़ी और रोजाना आगे म्याओ भी करते हैं, वो है हमारे चैंपियन। नहीं सर, हम लोग शहर है, हम लोग बस हौसला नहीं आ रहा। शहर में रहते हो तुम लोग? ये नहीं सर, फिर हम लोग मतलब एक मतलब ये है कि सर जब भी आप पे मुश्किल आए या कुछ भी हो, हौसला नहीं है, मेंटली स्ट्रांग बनना। मेंटल हो गए तुम? क्या हो गया भाई? मुझे किसी ने कहा था कि मेंटली स्ट्रांग बनो आमिर, और उन्होंने बिल्कुल सही बोला था, और मैं मेंटली स्ट्रांग बनने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो अपने आप से आप लड़ ही नहीं, आप तब तक नहीं हारेंगे जब तक आप अपने आप से हार नहीं। सर मैंने अभी बोला, कॉपी कर दी मेरी, सर गेम शुरू, मेरी कॉपी कर दी यार, बताओ अभी तो बोला मैंने ये बात, मैंने सीखी। बढ़िया चैंपियंस, जब जीतो तब मुझसे बात करना ये वाली तुम। चलो भाई पहला गेम क्या है आज, मेरा मिट्टू एब्सेंट है, कहीं गया हुआ है। लाओ भाई पहला गेम का क्या बोल दिया, फ्लिप द बॉटल है पहला गेम, जल्दी से आ जाओ, देखता हूं पहला मुकाबला किसका किसके साथ है। टिकटॉकर्स आएंगे, टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स, चलो भाई जल्दी से, टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स का मतलब है चैंपियंस वर्सेस इंस्टाग्रामर्स होगा, क्या बोला? और टाइम स्टार की तरफ से सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक आयरन और एग्जॉस्ट फैन जाएगा विनिंग टीम के साथ। और यहां पर मेरा कैमरा सामने है, इसी साइड पर रहो, मैं तुम्हें चिपका दूंगा, यहां पर मैं आऊंगा बराबर में, तुम यूं चिपके हुए होगे। चलो है तुम जा रहे हो, तुम मुझे मक्खन लगाओ और मैं तुम्हारी साइड लूंगा। रॉबिन और बैटमैन? नहीं मैं बैटमैन नहीं, मैं सुपरमैन हूं शुरू से, बस उड़ नहीं सकता। चलो भाई रेडी, क्या दूसरा कहा है, किसका मुकाबला है भाई? टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स, थोड़ा साइड पे आ जाओ, रेडियो टिकटॉकर्स रेडी गो। अरे बहुत ज्यादा भाई, अरे बहुत ज्यादा लड़के, क्या वापसी, क्या कमबैक मारा उसने, यू आर ऑलमोस्ट देयर, जीत रहा था शायद लेकिन वापसी किया, बहुत शानदार वापसी की। यूट्यूबर्स, यूट्यूबर्स आ गया फाइनल में, मुकाबला है मास का। हाँ भाई अब अगर हारे तो मियाओं की आवाज आ जाएगी, है ना? रेडी गो। अपनी तो है क्या, तो क्या कर रही है,
क्या इतना ऊपर से क्यों फेंक दिया किलो? और ऊपर से फेंको, बस फ्लोर से फेंको, जाबाज चलो चलो चलो, बहुत आराम आज आवाज आ रही हमें क्या पता, प्रैक्टिस में तुम करते रहो कितना भी, जब हराओगे सबके सामने तब मानेंगे सब। बॉटल का टॉस करना है, ला भाई बॉटल का टॉस होगा। कहा है भाई अनोज, टॉस टॉस, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। मिठू नंबर टू, मिठू नंबर टू, जल्दी आओ। नहीं इसका नाम कुछ और रखते, मिठू नहीं, मिठू एक ही है, इसका नाम क्या होना चाहिए बताता हूँ भाई। चलो भाई जल्दी से बताओ, माइक किसके पास, जो माइक लेकर बोलते हैं। टेल्स, टेल्स, बॉटल इनकी मर्जी की होगी भाई, बॉटल इनकी मर्जी की होगी। अभी यार तुम साइड पर आ जाओ और दुआ करो कि कल तुम जीत जाओ। क्या कर, वैलेंटाइन को सीरियस लेने की जरूरत नहीं मेरे सामने, सर ये मेरे भाई है। वो भाई तो ठीक है लेकिन फिर भी पीछे हट जाए सब, हाथ पीछे रखना बेटा। रडेगो आप खैरियत से, वैलेंटाइन सही, ओके फिर ठीक है, फिर चलो चलो। नहीं अच्छा सा बताओ जल्दी से नाम। इसको मैंने क्वेटा से बुलाया, फर्स्ट क्लास का टिकट दिया, खाना दिया, इतना अच्छा इसलिए खेल रहा है। दो पॉइंट जाएंगे टीम यूट्यूबर्स के साथ, हो जाए भाई। दो पॉइंट्स विन किए टीम यूट्यूबर्स ने, और हमने क्या क्या दिया इन्हें, टाइम स्टार की तरफ से सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक आयरन और एग्जॉस्ट फैन विन किया है टीम यूट्यूबर्स ने। हाँ भाई बोलो। सर ये पूरे सीजन में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि दो पॉइंट्स स्टार्टिंग किए किसी और, क्या बोला तुमने, किसी और टीम को मिले हैं। अच्छा बालू मिस्त्री हुई थी, बहुत आला। मैंने कहा सीजन टू, इस सीजन में मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि ये टू पॉइंट्स किसी और, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, नहीं इससे पहले हुआ नहीं सर, दूसरे पॉइंट्स वो लोग ले जाते थे हमेशा। नहीं नहीं तुम लोग तो जीत रहे थे, एक आध बार ऐसा हुआ है कि ये लोग जीते, एक आध बार हुआ ऐसा मुझे याद है, मेरा राइट साइड पे तुम दोनों जीते हो। खैर जनाब नेक्स्ट गेम क्या है, नेक्स्ट गेम है आज का टेबल टेनिस। आ जाओ भाई, तीन पॉइंट्स के लिए एक दूसरे से है मुकाबला, आइस टैग की तरफ से जाएगी एलईडी विनिंग टीम के साथ। सबसे पहला मुकाबला किसका है, चैंपियंस वर्सेस टिकटॉकर्स, चैंपियंस वर्सेस टिकटॉकर्स। आ जाओ भाई जल्दी से, कहाँ से खेलोगे, टॉस करना है, ये देखो ये होता है, कह रहा है जहाँ से गिरा दे सर। आ जाओ टॉस टॉस जल्दी से अनुज, चलो भाई माइक आपके पास है, जो भी माइक लेगा बोलेगा बोलो। हेड इट इज टॉस, आप लोग जीते हैं, स्टार्ट ये करेंगे। अच्छा जी तुम लोगों से इसलिए कहते, तुम साइड पर, ये टेबल टेनिस एक एक बात है, मसला पता है क्या, इससे खेलते हैं। अब तुम अगर यहाँ करीब हुई और यहाँ बॉल आ गई, पतला यहाँ से मारा जो जाके बराबर में अपी के बैठ गई, तुम इसलिए कहते हो थोड़ा पीछे हो जाओ। आ जाओ भाई जल्दी से, रेडी तुम जीते हो सर्विस, भाई सर्विस तुम जीते हो, सर्विस टॉस हुआ है। वंडल क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, रे तो टूनल। चलो 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 शाबाश, फोर निल, 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 फोर निल,
मैं कल जीने दे दूंगी फोकस अरे रुक जा भाई डांस करता रहूंगा मैं यार बताओ जरा ऑटो में लगा दिया मुझे चलो भाई लौटो मैं कह रहा हूँ कि खत्म हो गया रुक जा इसका मतलब है रुकना है लाओ भाई टॉस जल्दी से साइड टॉस करना पहले ये तुम माइक बेटे ऐसा घर पे लेके चली जाती हो क्या घर से वापस लेके माइक एक तुम्हारे पास ही होता है सर आपको एक बात पता है हाँ मुझे ना बोलना बहुत ज्यादा पसंद है बोले क्यों क्यों क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी मधुर सी प्यारी सी आवाज पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया सुने तुम्हारी माधुरी क्या बोला मधुर सी मैंने कहा चल करी मेरी माधुरी जैसी माइक उठा ले जरा ऐसे गेम हो रहा है प्लीज जरा अच्छा जी बताइए हेड्स टेल्स साइड के लिए आप वहां खेलेंगे आप यहां आ जाए अब दूसरा टॉस है बताओ जल्दी से दूसरा टॉस जल्दी से माइक बोलो हेड टॉस वो जीते आप सर्विस करेंगे चलो भाई ये लो पांच स्कोर ने किया फाइनल खेलेगा गाइस पीछे 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 चलो खेला लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच सके फाइनल चैंपियंस वर्सेस इंस्टाग्रामर्स टॉस होगा टॉस इधर इधर लड़ने की जरूरत नहीं है यहां खड़े तुम्हारे अंकल साइड पे आ जाओ चलो भाई माइक किसके पास है साइड का टॉस हो रहा है बताओ यही से खेलो ओके सर्विस का बोलो सर्विस का हेड इट इज टॉस जीते हैं चैंपियंस और सर्विस करेंगे सॉरी अच्छा दोनों साइड पर जाओ सात स्कोर करना है जिसने पहले सात स्कोर किया यहां से तीन पॉइंट ले जाएगा अगर तुम ये नहीं जीते हम सब मिलके म्याऊं करेंगे इसलिए जीतना लाजमी है आमिर अब तुम्हारा रेडे ला 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 राम पा राम पा चलो ओए One nil. Chalo, one nil. मुझे जरा रिप्ले चेक कराइएगा मेरे हिसाब से अगर लगा भी है ना यहाँ लगा होगा ये काउंट नहीं होगा यहाँ लगना जरूरी है ऐसे जाना है दिखाओ हाँ अगर यहाँ होगा तो पॉइंट हो जाएगा दिखाओ भाई इधर मुझे रिप्ले चेक कराइएगा देखते हैं कि लगा है या नहीं लगा जल्दी से रिप्ले चेक कराइएगा नहीं वहां से नजर
एक तो नजर नहीं आ रहा वहाँ कैमरा नहीं, दूसरा मैंने खुद देखा लगा नहीं था कहीं। चलो 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 वन वन हो गया, वन वन है ना, वन वन रेडी तारा ला राम पा। रिप्ले चेक कराइएगा क्या हुआ है, ये रिप्ले चेक कराइएगा। अभी अभी रिप्ले आ रहा है, रिप्ले आ रहा है, वहां कैमरा है, रुक जाओ सामने रहो अमर। दोनों टीम्स ने तीन तीन स्कोर किया है, दिखाइए मुझे जल्दी से ये कहां से आया है। तीन तीन तीन, आओ भी जल्दी से दिखाओ, ये चौथा पॉइंट है, देखते हैं किसके पास गया। ये आ गया, आ गया, प्रोजेक्शन भी आ गया, साइड से आया, साइड से आया, आ जाओ अमर। 4-3 4 इंस्टाग्रामर्स 3 चैंपियंस, नहीं आमिर साइड से आया है और वो नीचे भी है बॉल रेडी। चलो भाई 4-3 4-3 चैंपियंस रेडी गो। जनाब अब एक स्कोर जिसने कर लिया वो 3 पॉइंट जीत जाएगा, सर्विस आमिर करेगा। आओ भाई सब साइड पे, सब साइड पे, चलिए जी टेबल टेनिस का फाइनल, एक पॉइंट रह गया है, सर्विस करेगा आमिर रेडी डाडा रामपा पापा। चलो 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 मेरे साथ तो खेलो, मेरी बारी है, मेरी बारी, रुक जाओ, कल भी नहीं खेला था, आज तो खेलूंगा, लाओ ना जल्दी से दो। चलो भाई कहाँ खेलोगे आमिर, तू कहीं भी, मैं भी कहीं भी खेले तो जहाँ से खेला ना, आओ चलो रेडी गो। चलिए भाई वन डेल, चलो यार सही खेल ही लेता, चलो यार बहुत हो गया, अरे यार ये तो नजर ही नहीं आया यार। चलो जाएंगे आमिर के साथ, हो जाओ चैंपियंस के लिए। कभी तो मुझसे इकरार करना, मेरी बाबा पे ये दिल बात करना, ऐसे बोलूंगा तुझे मैं जावे जाने का। कभी तो मुझसे इकरार करना, क्या गाने चुन के लेकर आ रहे यार, जबरदस्त। आइसा की तरफ से एलईडी जाएगी टीम चैंपियंस के साथ, साथ साथ 3 पॉइंट्स भी विन किए। नेक्स्ट क्या है, है चक्कर पे चक्कर, नेक्स्ट है चक्कर पे चक्कर, देखते हैं सबसे पहले कौन सी टीम आ रही है। टिकटॉकर्स आएंगे, टिकटॉकर्स के पास से आज जंगी आएगा, ओके। फिर इंस्टाग्रामर्स है, इंस्टाग्रामर्स के पास से मज आएगा, और तीसरे नंबर पे आएंगे चैंपियंस, चैंपियंस के पास से कोई भी आ जाए, फोर्थ होंगे आप लोग, आएंगे आप। वी गोडेल की तरफ से बाइक जाएगी विनिंग टीम के साथ, वी गोडेल पाकिस्तान का नंबर वन बेस्ट सेलिंग फोन है। आओ भाई जल्दी से जंगी, क्या 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 जंगी आज कुआं खोद दे बेटे, आ जा कुछ कर दे, लाओ भाई जल्दी से, कहाँ है लेकर तो आओ। चक्कर बेसबॉल के बैट बैट से खेलते, पता नहीं क्या क्या घूमने गया भाई अनुज। चलो भाई जंगी रेडी हो, जंगी एक बात तुमसे पूछनी है, तुम जैकेट पहन के क्यों आ रहे हो आजकल।
चंगी ऐसा क्या है? जैकेट अच्छी लगती है, कोई भी नहीं पहना, सिर्फ मैं पहनता हूँ, तुम क्यों पहन के आ रहे हो? अच्छी लगती है। नहीं नहीं, स्मार्ट आदमी है। किसी ने बोला है? हैं? किसकी? पक्की बात है? आ जाओ, पता नहीं कोई जैकेट पहन के आ रहा है। शहदाज कुछ कह रहा है? हाँ शातो, क्या वो लकी शर्ट है ना इसके पास? लकी की शर्ट है? लकी ने तो कभी पहनी नहीं है टिकटॉकर की शर्ट, कह रहे लकी की शर्ट है ये। वो देखो स्टाइलिश आदमी मेरा वो। चलो भाई आ जाओ जरा, हाँ ब्रेक में मुझे बताना ये स्टाइल किस वजह से है यहाँ पर है वैलेंटाइन। चलो रेडी गो चंगी, एक दो तीन चार जाओ। सात सेकंड में एक हो गया, एक दो तीन चार जाओ। चंगी पांच स्कोर चार चक्कर किए हैं जंगी ने, और ये कॉमेडी चक्कर में चक्कर हो गया था जंगी का। आओ भाई, जंगी जब चक्कर लेके उठता वो हुड खुद ब खुद उसके सर पे आ जाता था। चलो भाई, हाँ भाई जेरी चैंपियन, जेरी चैंपियन को हल्का नहीं लेना, ये भी सात स्कोर कर सकता है, इसका पूरा पोटेंशियल है करने का। रेडी गो जेरी, एक दो तीन चार। अरे पक्का बन गया लड़का, ये दुनिया झूठ रही है, ये दुनिया झूठ रही है, अंबर चाहे तो तीन चार। ये दुनिया झूठ रही है, ये दुनिया झूठ रही है, अंबर चाहे तो पहली बार जेरी चैंपियन ने कर दिखाया भाई, बहुत है ना जेरी, जबरदस्त यार, ये कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है। अगर सिंगिंग का ताल्लुक हो वहां भी, कोई सा गेम हो वहां भी, ये हंसी मजाक करते हुए मुझे लगता है कि मेहनत पूरी करता है, प्रैक्टिस पूरी करता है, इसीलिए जब ये आता है लाइव तो ये उड़ा के रख देता। शाबाश जेरी। हाँ भाई नेक्स्ट कौन है? कौन आज बताएंगे आपको असल चैंपियन कौन था? आज नहीं, कल बताएंगे, कल अभी बताएगी। आओ जल्दी, वी गुड हेल की तरफ से बाइक जाएगी विनिंग टीम के साथ, साथ साथ दो पॉइंट्स है। रेडी गो चैंपियंस, एक दो तीन। करने दो, कर रहे तो करने दो, अपने शौक से करे जा रहा है। कितना स्कोर कर लिया भाई ने? सिर्फ चार। इस तरह सब हो गए सबको। अरे लारेब तो अब आया भाई, क्या कर रहे? अरे क्या हुआ, खैरियत है? सात स्कोर करना है आपने, सात नहीं करना।
रेडे, आज तो वैलेंटाइन है, आज तो करो रेडे गो, एक दो तीन चार दो चलो, एक दो तीन चार टाइम अप, चार स्कोर किया, चार या पांच, पांच स्कोर किया चार चक्कर किए, लेकिन सात स्कोर किया था जारी चैंपियन ने इंस्टाग्रामर्स के लिए, तो ये दो पॉइंट जाएंगे, नहीं दो पॉइंट्स भी जाएंगे और वी होटल की तरफ से बाइक है वो भी जाएगी, आगे बैठो ले जाओ घर बाइक, आ जाओ जल्दी से बैठो हो जाए। तुम लोग बाइक जीत गए हो, घर में तो शोरूम के शोरूम बन गए होंगे, सारी बाइक ही बाइक है, तो बेटे बेचना शुरू कर दो फिर है, आ जाओ एक गर्मा गर्म बाइक करना शुरू कर दो तुम, किसके बच्चे बेटे, अभी तो तुम खुद बच्चे हो दादा पर दादा, आगे की बात बता रहा हूँ माइक बहुत आगे, बहुत आगे बेटे, बहुत आगे। चलिए जी आइए नेक्स्ट गेम क्या है जल्दी से बताओ मुझे, अनोज कहाँ गया, क्या है फायर ऑन वॉट, अरे 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 फायर ऑन कैन, हाँ कभी बताऊंगा तुम्हें, कभी बताऊंगा, हाँ जी क्या थी, वी गोटेल की तरफ से बाइक विन की है टीम इंस्टाग्रामर से, साथ साथ दो पॉइंट, वी गोटेल पाकिस्तान का नंबर वन बेस्ट सेलिंग फोन है जनाब। नेक्स्ट गेम है हमारे पास, कौन सा गेम है नेक्स्ट बताओ, फायर ऑन कैन, ओके जी फायर ऑन कैन, सबसे पहले आएंगे इंस्टाग्रामर्स, सेकंड खुद ही खोल लिया किससे पूछ के, चलो कोई बात नहीं, टिकटॉकर सेकंड आएंगे, इंस्टाग्रामर्स सेकंड, टिकटॉकर्स उसके बाद चैंपियंस और आखिर में यूट्यूबर्स, ये तुम्हारे बराबर की है बस, हाँ मतलब ये दो कर दें तुम्हारे बराबर, और आराम से रहना मेरे सामने जरा, तो ये आप तो रगड़ लगा दिया तुम लोगों ने, अच्छा आप सब जाके अपनी जगह पर बैठो, बल्कि साइड पे खड़े हो जाओ, सब साइड पे खड़े हो जाओ मैंने कहा, हाँ किसकी बारी है, सिर्फ वो आएगा, बारी किसकी है, आओ जल्दी से, सिर्फ यहाँ पर लाके वो रखो, यहाँ पर वो रखो, एक मिनट यार कहाँ से करते हैं ये, लाओ जल्दी से लाओ, रख दिया, नहीं यहाँ पर एक स्टिक चाहिए ना मुझे यहाँ रखने के लिए, यहाँ पर मैं बातें थोड़ी करे, स्टिक रखनी है यहाँ पर, चलो क्या समझ में नहीं आ रहा किसी को, चलो हाँ ये फाइनल है, नहीं नहीं बहुत, चलो आओ रेडे पकड़ो, ये क्या दूर रखा हुआ है, तुम क्या कर रही हो वहां पर है, इनको मारने का एक पॉइंट, इनको मारने के दो पॉइंट, इनके सर पे आग में एक सेब रख रहा हूं लाके, सेब के निशाने के 100 पॉइंट है, अगर रबीका के सर पे एक सेब रख रहा हूं, अगर किसी ने सेब का निशाना लिया उसके 100 पॉइंट, अगर रबीका के लग गया तो -100 हजार पॉइंट, अच्छा चलो भाई आइस्टा की तरफ से एलईडी जाएगी विनिंग टीम के साथ, पांच चांसेस है गो, चलो शाबाश, वन बाय वन जाया हो गया पहला, दूसरा जाया हो गया, ओ तीसरा जाया हो गया, चौथा आखिरी है, आखिरी मौका है, और पांचों चांसेस जाया हो गए, आ जाओ नेक्स्ट कौन था, टिकटॉकर जाओ, सब साइड पे खड़े हो जाओ जाके, एक मिनट इसमें है बुलेट से पांच, चलो भैया जाओ है ना, अच्छा रुक जाओ फिर वाली ले लो, दूसरी बारी लो, दूसरी बारी, चलो चलो जल्दी 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 गाइस, मास मास से हट जाओ, चलो भाई को, हाँ वही है ये, बाहर दुनिया से बाहर फेंक दिया उसने,
चलो एक एक दफा प्रेस करना है तुमने, दो जाया हो गए, तीन जाया हो गए, ओ चौथा भी जाया, पांचवा भी जाया। आओ भाई चैंपियंस, गन दो दूसरी। नहीं कोई चलो टाइम नहीं हमारे पास, बहुत सारे गेम्स अभी। चलो भाई चलो जल्दी से नीचे बैठो, नीचे बैठो। चलो आमिर रेडी गो। चलो डायरेक्ट वहां पे, पहले वो तो मारो तुम। चलो आमिर क्या हो गया, आमिर करो प्रेस एक दफा और, अब जाएगा ये, एक दाया हो गया, एक दफा और, एक स्कोर कर दिया आमिर ने। चलो तीन में एक, चौथी बारी, ओ चार, आखिरी बारी आमिर, और पांच में से एक स्कोर कर दिया आमिर ने। सबसे आगे चैंपियंस जा रहे हैं दो पॉइंट्स में। लव एंड नेक्स्ट आखिरी है यूट्यूबर्स, आ जाओ बराज की बारी है। रेडी गो। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। यार अनोज इसको देखो क्या हुआ है, ऑफ करके खेल रहा, बताओ जरा, उसको ऑन ही नहीं किया और फिर कह रहे। चलो रेडी गो, चलो चलो जल्दी से। चलो बलराज, ओ पहला जाया हो गया, दूसरा भी जाया हो गया, तीसरा भी जाया, ऊपर करके बलराज कम ऑन। चार आखिरी है, पांचों जाया कर दिए बलराज तुमने, लाओ मेरी बारी आगे। बॉल कहां से लाओ, चले इसका कोई ताल्लुक है, अरे अरे यार खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म कर दूंगा सबको खत्म। चलो भाई चलो ये रख पाओ, इस तरह ये दो पॉइंट जाएंगे टीम चैंपियंस के साथ। चैंपियंस क्या हो गया, जीते जा रहे हो जाओ भाई। आज तक की तरफ से एलईडी जारी टीम चैंपियंस के साथ 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 पूरे दो पॉइंट्स भी विन किए इन्होंने। नेक्स्ट है आज फुटबॉल, चारों टीम्स आपस में टकराएंगे तीन पॉइंट्स के लिए। पहला मुकाबला है टिकटॉकर्स वर्सेस इंस्टाग्रामर्स। आ जाओ भाई, टिकटॉकर्स वर्सेस इंस्टाग्रामर्स, इसका मतलब है यूट्यूबर्स का होगा मुकाबला चैंपियंस के साथ। ये पूरे तीन पॉइंट्स के लिए बोल बचत वाला कार्ड की तरफ से जाएगी बाइक विनिंग टीम के साथ। जल्दी आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ गाइस, कम ऑन, हां बोल दिए, जल्दी आओ बॉल फुटबॉल लाओ। चलो भाई आ जाओ जल्दी से, टाइम कम, बहुत सारे गेम्स खेलने हैं, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, रेडी जल्दी आओ। आगे कौन है, क्या बाइक की बैठे कहीं जा रही है, वी कोटेल की बाइक, बड़ी दोस्ती चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। आओ जल्दी से, कहां गया अब्दुल बासित, रेडी गो। जो टीम पहला गोल करेगी वो खेलेगी फाइनल। बहुत आला बॉल जंगी के पास, बॉल जंगी के पास, गोल में कोई नहीं है और बहुत आला सेव, बहुत आला सेव, बाहर गो। मास के पास बॉल, मास से अब्दुल बासित, बहुत अच्छा पास था, मास के पास और इंस्टाग्रामर्स बाहर हो गए। ये गोल काउंट होगा टिकटॉकर्स के लिए, मास ने ट्राई किया गोल पोस्ट से ऊपर,
पेनल्टी के तौर पे गोल मिलता है दूसरी टीम को, इसलिए इंस्टाग्रामर धोखे बाहर। आओ जल्दी से, रेडी गो। ये उमेर के पास नहीं है और बॉल बाहर चली गई। चैंपियंस लीग है, गो बॉल उमेर के पास, उमेर के पास और बलाज के पास। गोल कर दिया, गोल में कोई नहीं था, गोल कर दिया। आ जाओ भाई, इसका मतलब है ये फाइनल है टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स। आगे टिकटॉकर्स देंगे, जल्दी आओ वहां जाओ, जल्दी जाओ। ये है फुटबॉल का फाइनल, तीन पॉइंट्स के लिए जो भी टीम जीतेगी वो खेल वो यहाँ से तीन पॉइंट्स में जाएगी, साथ में बोल बचत वाला कार्ड की तरफ से। बाइक रेडी गो यूट्यूबर्स। चलो भाई बॉल आ गई और जंगी के पास, जंगी ने ट्राई करना है नहीं करना, शायद को पास दिया, बहुत आला पास और ये फिर से शायद के पास बाहर। यूट्यूबर्स हाँ मूव बनाया करो, देखा करो तुम्हारा पार्टनर का। चलिए लाओ भाई, स्टार्ट करेंगे यूट्यूबर्स। जगह बनाई अच्छी थी बाहर। गो जंगी, गोल कर दिया बलाज का, गोल 1-0 गो। चलो भाई और फिर से बहुत आला बाहर हो गई, वहां से लोगे जंगी लेगा, गो बहुत आला बाहर। रेडी गोल आ रहे, बॉल बलाज के पास लारेब के पास, गोल कर दिया लारेब का, गोल गो 2-0 बहुत आला यार। जगह बनाओ शेस, और कोई नहीं है गोल में बाहर, कॉर्नर है बलाज, टाइम आप आ जाओ भाई जल्दी से। गोल पोस्ट, गोल कर दिया तुमने आज यार, गोलकीपर ने गोल मारा। चलो भाई दो गोल्स किए यूट्यूबर्स ने, कोई गोल नहीं किया अभी तक टिकटॉकर्स ने, ये आखिरी हाफ है, ये लेंगे ना अब, तुम लोगों ने लिया था ना इससे पहले। मां जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ अपनी टीम में जाओ, गो। चलो भाई बॉल जंगी के पास और ये मौका था, आया हो गया मौका, जंगी के पास शेस, ट्राई करनी थी लेकिन मैंने ट्राई नहीं की। बलाज के पास है बॉल, तारीफ के बाद बॉल मारोगे जंगी लेगा, आओ जंगी कम ऑन रेडी गो, चलो 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 मारो गया, जंगी लेगा बलाज पीछे जाओ गो बाहर, तारीफ लेगा गोल आ रहे साबा जंगी, इनका नाम जंगी है, जंगी नहीं है जंग नहीं है। चलो भाई गो, बाहर नहीं हुई अभी तक। लारेब के पास, जंगी के पास, एक और गोल कर दिया लारेब के, दो गोल हो गए 3-0 गो। चलो बाहर कॉर्नर, तीन गोल 3-0 गो, बहुत आला 12 सेकंड लगे बाहर। चलो जल्दी लो 8 सेकंड है रेडी, बाइक जरा देख के चलाइएगा आगे, किसी को ठोक ना दीजिएगा आप। चलो भैया रेडी गो, टाइम जा रहा है और बहुत आला नटमैग, टाइम आप जनाब। इस तरह तीन गोल से हराया है टीम यूट्यूबर्स ने टिकटॉकर्स को फाइनल, बोल बचत वाला कार्ड की तरफ से बाइक और ये तीन पॉइंट्स जाएंगे यूट्यूबर्स के साथ, हो जाए पहले बोलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जाते जाते मुझे जरा स्कोर बोर्ड दिखाइएगा, अभी तक किस टीम के कितने कितने पॉइंट्स हैं, जल्दी से दिखाइएगा जनाब। अभी तक सबसे आगे है 5 पॉइंट्स के साथ यूट्यूबर्स और चैंपियंस, इंस्टाग्रामर्स के 2 पॉइंट्स हैं और 100 पॉइंट्स हैं आज टिकटॉकर्स के अभी तक। लेकिन टिकटॉकर्स से मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये किसी वक्त भी ऐसा कमबैक करते हैं कि आखिर में आगे गेम चेंजर यही खेल रहे होते हैं। बताओ यार जनाब, अभी तक मेरे हिसाब से इंस्टाग्रामर्स और चैंपियंस हैं, इनमें से शायद कोई खेल सकता है लेकिन किसी वक्त भी यूट्यूबर्स उनको पछाड़ के आगे नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, गेम शो ऐसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा गेम शो, ऐसे ही चलेगा गेम शो।
कैसे चलेगा। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्रिकेट, फिर से खेलेंगे। ओके खेल लेंगे। लाओ भाई जल्दी से, आमिर बहुत कुछ हो रहा है। आमिर देखते तुम जीतते हो या हारते हो, फिर हम बोलेंगे क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहला मुकाबला टिकटॉकर्स वर्सेस चैंपियंस। आओ भाई, टिकटॉकर्स वर्सेस चैंपियंस इसका मतलब इंस्टाग्रामर्स वर्सेस यूट्यूबर्स होगा दूसरा मुकाबला। लाओ भाई जल्दी से टॉस, मेरे पास टोटल 6 मिनट है, इसमें हमने सारा क्रिकेट खेलना है। जल्दी जल्दी और फौरन फौरन आना, जिसको शूज उतारने बाल बांधने वो पहले करके रखे। आओ भाई जल्दी बताओ। टेल्स, टॉस हार गए चैंपियंस, टॉस जीते हमारे टिकटॉकर्स, क्या करेंगे आप लोग? बॉलिंग करेंगे, जल्दी से आ जाओ। कमाल भाई, ये है क्रिकेट मुकाबला, आ गए आप? अरे भाई बहुत जबरदस्त, अभी बात करते हैं आपसे। चलो भाई जल्दी आओ, कीपिंग पे कौन जाएगा? अनुज कीपिंग पे जाओ, जल्दी से रेडी गो। नहीं यार, ये कैसी बॉल है, खराब बॉल है यार। ये सही है, ये सही है। चलो भाई क्रिकेट मुकाबला, कहाँ गया फील्डर, कहाँ है रवि का, कहाँ है तुम? तो तुम्हारी टीम बैटिंग कर रही, तुम खुद फील्डिंग करोगी क्या उसके लिए? चलो माहिन कर लेगी, माही रवि का। चलो भाई आ गई, रेडी गो। चलो पहली बॉल आ रही है, पहली बॉल बहुत आ रहा, गए बॉल, गई बॉल। तुमने रन क्यों नहीं बनाया, बैटिंग के लिए कर रहे हैं। एक बॉल एक रन, चलो भाई दूसरी बॉल आ रही है, गई बॉल, गई बॉल, गए चार बन गए, बन गए चार पांच, तीन रन बन गए, दो बॉल में चार रन आ गए। इधर वीडियो बॉल के पास खड़े हो, वीडियो बॉल के पास खड़े हो जाओ ताकि बॉल ना लगे। रेडी गो। चलो तीसरी बॉल आ रही है, दो बॉल में चार रन आ गए, गई बॉल, क्या छोड़ दिया लड़के ने। चलो वहीं से ट्राई करते, फेंक देते यहां पर, रन थोड़ी था, इस तरफ का रन थोड़ी है, इस तरफ का ना, नहीं तुम यूं थे। चलो खैर, तीन बॉल में सात रन हो गए, एक ही जगह बॉल कराया जा रहे हो, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। चलो चैंपियंस रन बनाओ, बताओ जरा मेरा काशिफ होता वो कभी नहीं मारता, अनोज ने पहली बार निशाना मारा, यहां मार दिया निशाना, पता गया। चलो खैर कोई बात नहीं, चार रन बन गए, पांच रन बन गए, कितने रन बन गए ये? पांच रन बना लिए तुम लोगों ने, चार बॉलों पे तुमने 12 रन दे दिए, एक ही जगह बॉल किए जा रहे हो, टर्न क्यों नहीं कर रहे बॉल, जब देख रहे हो आगे बढ़ रहा है वो। चलो आओ पांचवी बॉल आ रही है, अब बहुत आला बॉल, लो वो अनोज ने छोड़ दी, जो बॉल अच्छी कराई वो अनोज ने छोड़ दी, 13 रन हो गए, लास्ट बॉल 13 रन, एक रन है ये, आगे आगे थी बॉल, 14 रन एक ओवर, बहुत आला स्कोर बनाया चैंपियंस ने। चलो भाई मीर जंगी संभालो जल्दी से, मिस करो बॉल, तेज बात कराना बस, ये बॉल, कई बॉल, कई बॉल रबीका ने, अरे कहाँ फेंक दी, आमिर को मार दी। चल क्या कैच दे रही थी वो, कह रही मैं कैच दे रही थी। 16 रन एक बॉल, 18 रन, कौन चीखा अभी इतनी जोर से चीखती है, बताओ यार बैठे बैठे चीख रही है रन पे। 18 कितने रन हो गए भाई, दो बॉल 18 रन, और ये गई बॉल, एक ही जगह बॉल कराया जा रहे हो तुम लोग, आउट, आमिर आउट हो गया। नहीं नहीं ये तो आ गया, पर पहुंच गया था वो। अच्छा एक मिनट, अब रनिंग पे तुम हो, तीन रन बने, चौथे रन पे आउट हुआ, रन कितने ये बताओ, तीन रन बने ना, शॉर्ट उसने खेला था ना, नहीं चार, कितने रन बने, कौन से रन पे आउट हुए हो, चौथे पे आउट हुए हो ना, चौथे रन पे आउट हुए, तीन रन बने ये, 21 रन हो गए, तीन बॉल है, चलो चौथी बॉल आ रही है, फिर वही फुल टॉस बॉल करा रहे हो यार, हद हो गई है, देख रहे हो आगे निकले, टर्न करो ना बॉल, चार बॉल हो गई, 23 रन हो गए, एक रन है ये, एक रन, एक रन, एक रन, एक रन, 24 रन लास्ट बॉल है, चलो 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 जल्दी से लास्ट बॉल, 24 रन, एक ही जगह बॉल कर, सारी बॉल एक ही जगह कराई इन लोगों ने, आउट। 27 रन बनाए हैं, 28 रन बनाने हैं टिकटॉकर्स को अगर फाइनल में आना है तो। जल्दी जल्दी आओ, बहुत अच्छी बैटिंग की है चैंपियंस ने, बट तुम लोगों ने बॉलिंग बहुत खराब की है यार। आओ भाई जल्दी से रेडी गो। चलो भाई पहली बॉल आ रही है, ये टर्न मुंह पे मार ली बॉल, ये बॉल करानी है, इस तरह टर्न करनी थी बॉल, एक बॉल एक रन, अब गैप्स देखो, गैप्स पे शॉट खेलो। चलो भाई शाबाश, इनको देखभाल के बॉलिंग कराना। चलो भाई दूसरी बॉल आ रही है, ये बहुत आला, बहुत आला, बनेंगे चार। अरे अभी कब भाग गई, अरे अभी क्या हो गया, अभी आराम से तुम हाथ में बॉल दे दो बस, तुम क्या जॉन्टी रोड बन रही हो, दो बॉल में तीन रन आ गए। चलो बहुत आला,
अच्छा एक मिनट, क्लाइमेक्स ये है कि ये रन आउट हो गए, जबरदस्त राउंड मारा, हम सब कुछ हो रहे हैं, अरे क्या मारा क्या मारा, एक अब्बास रफी के पास सही, क्या कैच पकड़ा है इन्होंने। और इस तरह मैं रन आउट देखना चाहता हूँ, ये जो दिखाओ जरा रन आउट। और अनुज ये दूसरी बारी थी, लग जाती मेरे अभी उठा के पटक देता मैं तुम्हें। हाँ वो तो कर सकता है ना, अनुज है ना, वो इतना बड़ा रन आउट बताओ यार, क्या बात है अनुज सी। चलो भाई चलो 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 आ जाओ, कितनी बॉल्स हो गई, कितने और, तीन बॉले तीन रन्स और शेज रन आउट हो गया। पहले कहा थे तुम है, बताओ यार, सही जगह खड़ा कर दिया बंदे को, एक रन आउट एक कैच पकड़ लिया, पूरी टीम खत्म कर दी इन लोगों की। चलो भाई। वो कह रही हार गए इसलिए आप ऐसी बॉल कराए जिसपे मैं छक्का मारूं और कैच भी ना हो, सही है, आइए प्लीज। ये अब इससे क्या आसान बॉल कराया आदमी, लास्ट बॉल है, अब बताएगी तुम्हें रबी का, रबी का बॉल फाड़ दो, फाड़ दो बॉल। वाइट वाइट बॉल जाते जाते मार रही पीछे। ये देखो सिर्फ चार रन बनाए आपने, आ जाए भाई, तुमको पता है जीतने के लिए रन कितने चाहिए, 24 रन चाहिए छह बॉलों पे, आज तक नहीं बने यहां पर। चलो आओ, ओहो ये हमारी वुमेन्स टीम की कोच बता रही है क्या करना, चले आए। ये रवि का पहले बॉल को देखो, उसके बाद ये हॉकी थोड़ी हो रहा है कोई, एक बॉल हो गई, ये कॉमेडी क्रिकेट हो रही है वैसे मुझे लगा। सही है, दो बॉल हो गए, जल्दी जल्दी कराओ आराम। चलो भाई कैच, चलो चौथी बॉल आ रही है, चार बॉल है, चलो दो बॉल और जल्दी से कराओ, जीत देती बेटे वो खुद ही जीत गए, देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पांचवी बॉल ये मैंने, अरे रवि का रन भाग रहा है तुम्हें, वो रन ही नहीं भाग रही, बताओ लास्ट बॉल आ गई, चलो खत्म हो गया, चलो चलो भाई खत्म, चैंपियंस आ गया फाइनल में, मुकाबला लाओ, टॉस टॉस टॉस, 24 रन से हराया है टिकटॉकर्स को, बताओ यार। एक मिनट, अच्छा तुम यही देख रही हो, अब बताओ, चांद चांद छुपा। चलो भाई चलो चलो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ज्यादा नहीं ज्यादा, हाँ मुझे पता है मैं वहीं आ रहा था, वहीं आ रहा, ब्रेक में चलो आओ जल्दी से, क्रिकेट मुकाबला दूसरा मैच, जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ गाइस, कम ऑन। क्या सुनाई कम दे रहा है क्या, मैंने क्या बोला था अभी कि जल्दी आना है, टाइम कम है, है? मैं कान सही कर देता हूँ, बिल्कुल सही सुनाई देगा, फिर बॉलर आ जाएगा अभी, तुम आ जाओ, स्लो स्लो ना आना मेरे सामने। चलो भैया जल्दी से, कम ऑन, हाँ हाँ आप लोग हारे हैं टॉस, तो तुम क्यों आ रहे हो बैटिंग करने, मुझे क्या पता, और इनको देखो शरीफ बन के फॉरन बॉलिंग कराने आ गए, हम ही करा लेते हैं, चलो 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 जल्दी आओ। चलो भैया डे, मैं तो कह रहा हूँ अनोज को यहाँ खड़ा कर दो, क्या फील्डिंग कर रहा लड़का। चलो भाई पहली बॉल आ रही है, चलो भाई हैं, चलो बस पहली बॉल गई, बॉल गई, बॉल एक बॉल एक रन, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी कराना, जल्दी जल्दी खेलना है, जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी चैंपियंस के साथ। दूसरी बॉल बहुत आला बनेंगे, दो बहुत आला रनिंग, शाबाश बालाज, दो बॉलों में तीन रन आ गए, चलो चलो जल्दी से, टू बॉल थ्री रन, पहुंच गया ना, पहुंच गया, हाँ मुझे रिप्ले चेक कराई लेकिन मुझे लग रहा है शायद पहुंच गया, तीन बॉल हो गई है, दिखाओ जल्दी से, फील्डर फील्डर आउट हो गया, इतना बड़ा कर रहा, पहुंच गया मैं, सबको यही लगता है जब वो रनिंग कर रहे होते ना, हम तो पहुंच गए हम, इस तरह लारे हो गया आउट, तीन बॉलों में तीन रन आए हैं, शाताज बैटिंग करने आएगी, शाताज सबसे ज्यादा स्कोर करती है लड़कियों में, चलो शाताज शाबाश, चौथी बॉल, हाँ आ जाओ आ जाओ, चौथी बॉल आ रही है, कराओ, बहुत आला, मैंने जैसा कहा आपसे, पांच बॉलों में पांच रन आ गए, नहीं चार बॉलों में चार रन, चार बॉलों चार रन, ये क्या किया तुमने, भागो, पांच बॉल में पांच रन, आ जाओ शाताज, तेज मत कराना, मैं नो बॉल दूंगा, स्लो लास्ट बॉल है, बहुत यार ये लड़की बहुत आला खेल रही है यार, और ये भी एक रन और हो जाता, दो रन हो गए है, हाँ ओवर हो गया, सात रन, एक ओवर सात रन, आओ चलो जी बालाज खेलेंगे, अब्दुल वासित बॉल कराएंगे, चलो भाई पहली बॉल, बहुत आला शॉट गया,
गया गया, चार बन गए, तीन बन गए, तीन रन बन गए, एक बॉल 10 रन। यार शहदाज भी बॉल मिस नहीं करती यार, जबरदस्त, शाबाश शहदाज, एक बॉल 10 रन, चलो भाई दो बॉले 10 रन, दो बॉले 10 रन, लड़कियों को अच्छी बॉल कराता है ये, ओके गए बन गए बने, आउट हो गया मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से दीप ने दिखाओ 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 दिखाओ, देखते हैं बताता हूँ मैं, जल्दी से दिखाइए, हाँ आउट हो गया, बहुत बड़ा आउट है, चलो भाई आ जाओ, एक रन, 11 रन हो गए, तीन बॉले 11 रन, चलो शाहताज, चार बॉले 11 रन, चार बॉले और 11 रन आ गए हैं, जल्दी आओ, पांचवी बॉल आ रही है, बोल्ड 11 रन बनाए हैं यूट्यूबर्स ने, 12 रन का टारगेट है इंस्टाग्रामर्स को, दो ओवर में 12 रन बनाने हैं अगर फाइनल के अंदर आना है खेलने, जल्दी आओ, चलिए कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टाइम कम है, आ जाओ अनुज फील्ड पे आओ, चलो भाई आउट करना बहुत जरूरी बल आज तुम्हारे लिए, शाबाश सुकून से खेलना, दो ओवर हैं, 12 रन बहुत आसानी से बन जाएंगे, पहली बॉल एक बॉल एक रन, जरा संभल के ज्यादा तेज शॉट ना खेलना माइनस हो जाएगा, एक बॉल एक रन, शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन इंस्टाग्रामर्स, जल्दी जल्दी, दूसरी बॉल गई, बॉल गई, दो बॉल है तीन रन, दो बॉल है तीन रन, चलो 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 दो बॉल में तीन रन आ गए, तीसरी बॉल आ रही है, तीसरी बॉल कैच, अरे कैच, क्या नहीं, मैंने कहा शायद कह रहे नहीं, मुझे लगा कह रहे बाउंस हुई है, बाउंस हुई है, आउट हो गया, तुम जरा मुझे दिखाइएगा कैच, क्या इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया था या नहीं, जल्दी से ये मैच फंस गया, शहदाज कैच भी ड्रॉप नहीं करती है, शहदाज बैटिंग तुम सीख लो इसलिए बता रहा हूँ, रवि का नहीं नहीं नहीं, एज लगी, एज लगी, ऊपर ऊपर गई, नहीं कैच पहले पकड़ लिया था उसके बाद हुआ, जल्दी आ जाओ वापस, फिर से दिखाऊं, माइनस टू करूंगा, आओ भाई जल्दी से, नहीं 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 नहीं, अब दिखाओ रिप्ले रिप्ले, आओ जल्दी से, चलो भाई तीन बॉल में तीन रन आ गए, जल्दी आओ जल्दी आओ, गो चौथी बॉल आ रही है, अरे बहुत, अरे बेहतरीन शॉट खेल लिया लड़की ने, चार बॉल में चार रन आ गए, सिर्फ 12 बनाने, सुकून से खुद खेलना, चार बॉल पे चार रन आ गए, क्या किया तुमने, इतना बड़ा रन आउट है, तुमने क्यों भागे, तो पूरा एक ओवर बाकी था, दिखाओ जल्दी से मुझे दिखाइएगा रन आउट, देखना है मुझे अब्दुल बासित आउट हुए हैं या नहीं, मेरे हिसाब से तो लग रहा है मुझे आउट हो गए, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया बस, इस तरह ये एक रन काउंट होगा और आखिरी विकेट है जो माहीन खेलेंगी, पांच बॉल में पांच रन, लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल है, पांच बॉल है पांच रन है, तुम शॉट खेल सकती हो, अभी भी जीत सकते हैं, सात बॉल में सात रन चाहिए, चलिए आगे मत रहना, नो बॉल हो जाएगी, चलो बहुत आला, वो तो लड़की का नहीं है, आउट हो गया, आओ छह रन हो गए, शाबाश शाबाश, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, मैच फंस चुका है, यूट्यूबर्स के हाथ में अभी तक मैच है, एक बॉल कोई तेज बॉल नहीं, पांच बॉल पे छह रन चाहिए, चलो चलो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, दूसरी बॉल कैच, और इस तरह माही, हे क्या क्या बोला तुमने, आपने कैच पकड़ लिया, वैलेंटाइन्स वाले दिन कैच पकड़ लिया, बताओ जरा, तो कैच आ रहा है तो कैच नहीं पकड़ेंगे, हराना नहीं तुम लोगों, क्या इस तरह इंस्टाग्रामर्स बाहर हो गए, आ गए यूट्यूबर्स फाइनल में, और यूट्यूबर्स का फाइनल है चैंपियंस के साथ, माइक जिसके पास है आओ जल्दी से बोलो, आना यूट्यूबर्स वर्सेस चैंपियंस, टेल्स टॉस आप लोग हारे हैं, आप जीते हैं, आप करेंगे बैटिंग या बॉलिंग जो आपकी मर्जी, यह क्रिकेट मुकाबले का फाइनल, तीन पॉइंट्स के लिए, जीतने वाले के साथ बोल बचत वाला कार्ड की तरफ से बाइक भी जाएगी, आओ जल्दी से मैरमिया रेडी, साइड पे करो साइड पे करो, गो पहली बॉल लेग बाय लेग बाय, चलो चलो जल्दी से, एक बॉल कोई रन नहीं, बहुत आला बोलती है, बहुत आला, इतनी स्लो बॉल कराती, इतनी स्लो, दो बॉल एक रन, जल्दी आओ, दो बॉल में एक रन ही आया जनाब, दूसरी बॉल आ रही है, तीसरी बॉल है, तीन बॉल में दो रन, बैट से लगी थी, तीन बॉल में दो रन, इनर एज लगी थी, तीन बॉल में दो रन, चौथी बॉल आ रही है,
चलो 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 यहाँ से गई टिप्पा नहीं गई टिप्पा यहाँ गया बॉल ने बाउंस जा किया है वहाँ काउंट होगा यू गई है चार बॉल तीन रन चलो 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 गई बॉल गई गई बॉल लड़ गए बहुत आला रनिंग तीन रन बन गई है पांच बॉल छह रन लास्ट बॉल है पांच बॉल पे छह रन आए तुम लोग तो पटेल पकड़ो बॉल के पीछे भागो एक बंदे को पकड़ने दो चलो भाई लास्ट बॉल छह रन है लास्ट बॉल छह रन सात रन व्हाइट बॉल दिए सात रन ओवर एक ओवर सात रन बोलो बोलो जल्दी से आ जाओ चलो हरिफ कमॉन 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 जल्दी से चैंपियंस सात रन है ये है फाइनल क्रिकेट का चलो भाई पहली बॉल आ रही है अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ तेज बॉल आई थी उसके बावजूद भी तेज थी ना ना आठ रन हो गए कई बॉल दिखा 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 दिखाओ बॉल तो लाओ पीछे दिखाओ हाँ तो निकाल के बॉल उठा ली तो आउट जाओगे तो दिखाओ पहले तो पहले देखो ना तुम आउट हो या नहीं मुझे जरा रिप्ले चेक कराइए एक मिनट पहली वाली लकी हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ पहुंच गया आमिर अब दूसरा दिखाओ पहुंच गया दूसरा दिखाओ यहां उठा ये तीसरा पहुंच गया उमेर और दिखाओ आगे चलो चौथा दिखाओ मुझे ये इसने बॉल निकाली अब आउट आमिर आउट हो गया चौथा आमिर दिखाओ उमेर दिखाओ देखते हैं ना अभी उमेर के यहां से छोड़ो दिखाओ पीछे करो यहाँ देखो ये पैर है हाँ पीछे नहीं आगे वाला पैर देखो ना ये देखो ये यहाँ रुक गया ये बस यहाँ रुक गया ये सही है हाँ हाँ सही है ना लकीर के अंदर ये ठीक है हाँ डॉ आमिर आउट हो गया चौथे रन पे आमिर आउट हुआ तीन रन बने ये तीन रन बने कितनी बॉल हो गई दो बॉल है 11 रन वहां कौन खेलेगा उमेर क्यों तुम आउट हुए हो ना अभी हाँ खेलेगी आ जाओ भाई जल्दी से यहां पर रनिंग पे दो बॉल है 11 रन चलिए जी तीसरी बॉल आ रही है अभी रेडी गो फाइनल है अभी कम ऑन चलो बहुत आला बॉल तीन बॉल हो गई 11 रन है तीन बॉल 11 रन चलो 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 चौथी बॉल आ रही है अरे कैच और ये आउट चलो चार बॉल हो गई 11 रन दो बॉल रह गई जल्दी आओ बहुत आला बॉलिंग यार शाबाश दिखाओ मुझे रिप्ले चेक कराओ अरे एक मिनट रिप्ले देखते हैं ना अभी आउट हो गया बहुत बड़ा आउट है और इस तरह 11 रन ही बनाए हैं चैंपियंस ने 12 रन चाहिए यूट्यूबर्स को जीतने के लिए बहुत ही छोटा टोटल है बहुत आसानी से बन सकता है अनलेस कि ये लोग आउट ना हो जल्दी से आ जाओ उमेर मी आउट करना है लारिफ सुकून से खेलना जीत सकते हो आ जाओ भाई जल्दी से क्रिकेट मुकाबले का फाइनल रेडी आओ जल्दी से बैठ दो कम ऑन जल्दी से रेडी चलो उमेर गो पहली बॉल एक बॉल पे एक रन आ गया है दूसरी बॉल आएगी ये दूसरी बॉल खेल दिए दो बॉल में दो रन आराम से खेलो 12 रन चाहिए सिर्फ चलो भाई दो बॉल में दो रन आ गए तीसरी बॉल गई बॉल बने चार अनुज इतनी जोर से थ्रो क्यों करते हो आराम से करो थ्रो यार चलो तीन बॉल है पांच रन हो गए शाबाश जल्दी से आठ रन रह गए नहीं सात रन रह गए एक रन ही आ गया चार बॉल छह रन बहुत आला चार बॉल में छह रन आ गए पांचवी बॉल आ रही है चलो भाई आउट पहले मुझे यहां से दिखाओ फिर वहां से दिखाना रन ही नहीं था तुमने हाथ में बॉल उसको देखे भाग रहे हो खामखा यार चलो भाई दिखाओ इधर शॉट खेला बलाच अंदर है सही है बलाज रन आउट हो गया बलाज आप आउट हो गए
चलो भाई कितनी बॉल्स हो गई, 5 बॉल 6 रन्स, 5 बॉल 6 रन। अगर शहताज आउट हो गई मैच फंस जाएगा, शहताज सुकून से खेलना, आओ जल्दी से, 5 बॉल पे 6 रन्स है, हाँ सुकून से जल्दी आओ, चैंपियंस आउट करना है, आउट होगा मैच फंस जाएगा, चलो भाई गो। ओवर, एक ओवर 6 रन्स, अब एक ओवर में 6 रन्स ही चाहिए जीतने के लिए, चलो 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 शाबाश गारेब सुकून से, हमें राजा आउट करो, पहली बॉल वाइड बॉल, 5 रन्स रह गए अब 6 बॉलों में, शाबाश शाबाश, 7 रन्स हो गए, लेग बाय, एक बॉल 7 रन्स, हाथ पे मत जाओ, स्लो बॉल करता है ये तेज हाथ करके, और ये मैच अब फंस सकता है, 8 रन्स हो गए, 2 बॉलें हो गई है, तीसरी बॉल आ रही है, चलो आमिर, 3 बॉलें हो गई है, 8 रन्स हैं, ये मैच फंस चुका है, शाबाश शहताज शॉट खेलो, आप शहताज बाहर जाके बॉल जब विकेट मिस कर दिया उसके बाद गई है, 4 बॉलें हो गई, शहताज वेट करती, लास्ट बॉल शाबाश आमिर वेलबोल, 1 बॉल पे 4 रन बन सकते, शॉट खेलो, और इस तरह चैंपियंस जीते हैं ये क्रिकेट मुकाबला, ये 3 पॉइंट जाएंगे टीम चैंपियंस के साथ, बोल पे तो कार्ड की बाइक भी विन की हो जाए, मैं ना मानू हार सजना दुनिया माने हार, तुझसे करना प्यार सजना तुझसे करना प्यार, तेरी खातिर तो इस दिल ने सीखा करना कार्ड की तरफ से बाइक विन की है टीम चैंपियंस के साथ साथ पूरे 3 पॉइंट्स भी। नेक्स्ट है आज का पोटली सेगमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है 3 टीम्स के लिए, चैंपियंस तो आगे जा रहे हैं, चैंपियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुम तीनों के लिए भी, चलो भैया बोर्ड पर चौथा कार्ड की तरफ से जाएगी बाइक विनिंग टीम के साथ, सबसे पहले टिकटॉकर्स जाएंगे गार में, उसके बाद इंस्टाग्रामर्स जाएंगे, तीसरे नंबर पर टीम जाएगी चैंपियंस, चौथे नंबर पर यूट्यूबर्स जाएंगे, चलो भैया आ जाओ, टिकटॉकर्स गार इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आओ, जल्दी 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 गाइस, नेक्स्ट टीम रेडी रहे, जो भी नेक्स्ट टीम है वो रेडी रहे, चलो भाई जल्दी आओ, बोल जा सिम सिम, चलो 7 सेकंड है तुम्हारे पास, 7 6 5 4 3 2 जाओ, 7 6 5 4 जाओ भाई जल्दी से, इंस्टाग्राम फौरन 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 फौरन, चलो चलो अनुज, पोटियां लेके रखो, पोटियां लेके रखो, सिम सिम, 7 6 5 4 3 7 6 5, चलो भैया आमिर बोल जा सिम सिम, चलो भाई जल्दी से, 7 6 5 4 7 6 5 4, चलो भाई आओ नेक्स्ट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बोल जा सिम सिम, 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 चलो ये शुरू करते हैं आज का पोटली सेगमेंट, यूट्यूबर्स सबसे आखिर में निकले इसलिए शुरुआत होगी यूट्यूबर्स के साथ ही, सबसे पहले टिकटॉकर्स निकले हैं, लाओ भाई जल्दी से देखता हूं किस्मत आज किसके साथ है, जल्दी से शहताज लेकर आई पोटली नंबर 8, और 8 नंबर में आज शहताज कितने पैसे लाने में कामयाब हुई है। तुम कहां घूम रही हो, इधर से उधर कहां हो तुम, शूज खो गए थे तुम्हारे, अच्छा जी खैर शहताज तुम्हारे शूज तो नहीं खोए लेकिन किस्मत खो गई क्योंकि 8 नंबर पोटली लेकर आई शहताज यूट्यूबर्स के लिए, और 8 नंबर में निकले हैं पूरे 8 लाख, -9 लाख,
माइनस 9 लाख के साथ आगाज बुरा हुआ है। बारी है चैंपियंस की। लाओ भाई आमिर सियाल साहब एक नंबर पोड़ ली, क्योंकि आज दोनों लड़के ही गए थे तुम्हारे, अभी अपनी शूज ढूंढ रही थी कहीं पर, अभी आके शूज खो गए थे। इस तरह एक नंबर पोड़ी लेकर आया आमिर, और आज एक नंबर में आमिर। क्या बोला आपने है? प्लस टेन। और अगर माइनस टेन हुए तो अभी बता दो, बस वो उनका नसीब है। नहीं नहीं नहीं, एक चीज मुझे बताओ, इतने हैं नहीं हुए तो फिर बताऊंगा मैंने क्या करना है, या तो माइनस टेन है या तो प्लस टेन। अगर प्लस टेन हुए जी, तो मैं वो बात नहीं बताऊंगा, अगर नहीं हुए तो मैं अब बता दूंगा वो बात, तुम्हारी जो गोट फंसी हुई है। और आमिर आमिर चैंपियंस के लिए घर से लेकर आया पोल्ट्री नंबर एक। आ जाओ इधर, केक कट गया तुम्हारा। तुमने कहा था, मैंने कहा था अगर 9 लाख भी निकले तो मैं बोलूंगा जरूर आज। तो 2 दिन पहले माँ साहब कहिए से है, माँ साहब सही है, केक नहीं काटूंगा आपका। चलो केक काटना बनता भी नहीं है, क्योंकि माँ ने बोला 10 लाख तो किसी ने नहीं ना, जब तुम्हें पता है नहीं तो फिर टेंशन लेने की क्या बात है। आमिर सियाल लेकर आया पोल्ट्री नंबर एक, और एक नंबर में आज अलादीन आमिर ने मारा भाई आज। ये पहली बार हुआ है 17-18 सालों में आमिर सियाल की पोल्ट्री में निकले पूरे 10 लाख। है क्या करूं, तुम रो क्यों, दोनों रो रहे है, फिर माइक जरा जरा रो क्यों रहे तुम दोनों, कौन तुम्हारी आंखों में, मैं तो आंखें ऐसी इधर भीगी भीगी, मैं आपको भीगी भीगी आंखें, मैंने प्रेडिक्ट किया था 10 लाख है। कैसे हो गई, पूछ रहे कैसी हो गई भीगी भीगी आंखें, ऐसी कैसे, शुरू में तो नहीं थी, ये दरमियान में हुई है गई। नहीं चलो भैया नेक्स्ट कौन था, टिकटॉकर सबसे पहले गए थे और रबीका का मुंह बन गया, 10 लाख तो निकल गए, एक ही थे लेकिन माइनस 10 लाख दो है आज। लाओ भाई जल्दी से, बारी है माउस की टीम यानी कि इंस्टाग्रामर्स की, और माहीन लेकर आई पोर्टी नंबर 2, लेकर आओ जल्दी से गाइस। 2 नंबर पोर्टी में कितना अमाउंट है जल्दी से बताता हूं, माहीन लेकर आई इंस्टाग्रामर्स के लिए पूरे पूरे, तुम गलत ट्रेन पे चढ़ गई हो, गलत ट्रैक पर हो भाई, क्योंकि अच्छे खासे सबसे ज्यादा प्लस 10 लाख ला रही थी और आज भी लेकर आई -10 लाख। -10 लाख हैप्पी बर्थडे जाके घर पे बनाइएगा, यहाँ मनाने की नहीं है। जरा मुझे आवाज आ रही है किसके लिए हैप्पी बर्थडे हो रही है यहाँ पर, समझ आ गई, अभी रात में फिर एक वीडियो आ जाएगी हैप्पी बर्थडे के ऊपर। चलो भाई, हाँ भाई, टेंशन लेने की बात क्यों है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाँ तो है लेकिन 9 लाख भी तो है, प्लस 8 लाख भी है, तो हो सकता है इसमें नहीं 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 इसमें नहीं हो सकते। ला 6 नंबर पोटली रबी का लेकर आई पोटली नंबर 6, और 6 नंबर में रबी का आज तुम्हारी किस्मत ने पलटा, ऐसा पलटा क्यों खाया तुम्हारी किस्मत ने, है हमेशा खाती है, भूखी बहुत है बेटे, खाना वाना खिलाया करो किस्मत को, पलटे खाई जा रही है किस्मत। जनाब 6 नंबर पोटली लेकर आई रबी का, और 6 नंबर में रबी का तुम लेकर आई क्या होते हैं, हमने हम नहीं लाए -4 लाख, 9 लाख, अरे 9 लाख प्लस में, 9 लाख प्लस में। अच्छा यार एक चीज मैंने बड़ी नोटिस की है, जो लोग पड़ोसी होते हैं ना बराबर बराबर, अगर किसी एक के निकलते हैं प्लस में अमाउंट, पड़ोसी का भी उस वक्त प्लस में अमाउंट निकल आता है, किसी एक के माइनस में निकलते हैं दूसरे का भी माइनस निकल आता है, ऐसा क्यों होता है पड़ोसियों का, ऐसा होता है ना, हाँ आज भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, आप बताइए जरा, -10 लाख इंस्टाग्रामर्स, -9 लाख जो है वो यूट्यूबर्स के, इसी तरह 10 लाख इनके, 9 लाख आपके, और ये मुसलसल हुए जा रहा है। इसको कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पड़ा, आप आमिर को खरबूजा कह रहे हो यार, यार आमिर को खरबूजा बना दिया आपने आमिर को यार, है आमिर खरबूजा, तो वो कह रहे हैं चैंपियंस खरबूजे को देख के, ये खरबूजा देखो ये देखे है, ये तरबूज पपीता, चलो खरबूज है आमिर तरबूज है। चलो भाई अच्छा बस बस सही, चलो भाई दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे यूट्यूबर से, पलाश लेकर आया पोटली नंबर 9, ओके -9 लाख पे थे तुम लोग, हार नहीं माननी चाहिए, अभी भी जीत सकते हो, क्योंकि 9 नंबर में आज मुश्किल काम है, पलाश लेकर आया 1 लाख रुपए,
जल्दी जल्दी ये लो, -8 लाख ग्रैंड टोटल है यूट्यूबर्स का, बारी है चैंपियंस की, लाओ भाई मैर में जल्दी से, जल्दी जल्दी, मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि 10 लाख रुपए आमिर लाया था और उमेर लेकर आ गया। यार इन बेचारों की किस्मत का क्या करनी, 10 नहीं है, एक ही 10 लाख, एक था चैंपियंस के पास से एक प्लेयर 10 लाख लाता है, दूसरा प्लेयर कल भी ऐसा ही हुआ था। हैप्पी बर्थडे, मिलके करेंगे, मिलके करते हैं, अभी रेडी हैं आप लोग? तो आज 5 नंबर पोटली लेकर आया उमेर, 10 लाख निकले आमिर की पोटली से प्लस, और उमेर ने वो 10 लाख 18 बना दिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, केक कट गया तुम लोगों का, 18 लाख, 18 लाख, इसका मतलब है ये लोग नहीं हार सकते। हाँ बोलो, क्या बोल दिया रवि का तुम्हारी दोस्त ने, क्या बोल रही, माइक नीचे कर लिया था, फिर से बोलो। क्या कह रही है, कह रही है इतनी खुशी इसको कभी नहीं हुई है। चलो अभी मजीद आगे खुशियां बेटे बाकी हैं, बहुत सारी जो आनी है, लाओ भाई तुम लोग तो हार गए। जल्दी जल्दी ओपन करता हूँ इंस्टाग्रामर्स की तरफ से, -10 लाख थे दूसरी पोटली में। Happy is the birthday is the to you. आओ ना इधर, आओ इधर तो आओ, अरे आओ ना यार, आओ ना यार, तुम मार्केट में रहा करो क्योंकि जहां पर तुम्हारी बहन लेकर आए 10 लाख, वहीं पर मास भी लेकर आया पूरे -10 लाख, देख लो भाई, ये दोनों के निकले -10 लाख। तो ये असल केक जो कटा वो इंस्टाग्रामर से कटा, बारी है लाइव। अरे आप लोग जीत सकते हैं अभी 18, तो अगर 9 लाख निकल गए तो बराबर हो जाएगा। लाओ जल्दी से, मैं समझा चैंपियंस जीत गए, इसका मतलब है अभी खुशी ज्यादा खुश। 2 हैं और 10 लाख 2 हैं प्लस में, मतलब कि यहां तक पहुंच के भी अगर चैंपियंस नहीं जीते फिर तो खुदा हाफिज, क्योंकि 18 लाख चैंपियंस ने जमा कर लिए। टिकटॉकर्स की पहली पोल्ट्री में 9 लाख और दूसरी पोटली में टिकटॉकर्स की 10 लाख नहीं निकले, 8 लाख निकले, 1 लाख से हारे तुम लोग, 1 लाख से हार गए। इस तरह ये 3 पॉइंट जाएंगे टीम चैंपियंस के साथ। ये मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है दुनिया में, ये दुनिया में आज पहली बार हो रहा है कि पोटली सेगमेंट चैंपियंस जीत गए। हो जा भाई, प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला। तीन पॉइंट जाएंगे चैंपियंस के साथ और बोल बचत वाला कार्ड की तरफ से एक और बाइक विन की है चैंपियंस। नेक्स्ट है आज का डांस सेगमेंट, सबसे पहले कौन आ रहा है थिरकने टिकटॉकर्स, सबसे पहले टिकटॉकर्स के पास से कौन आएगा, हरबरी टिकटॉकर्स कौन आएगा, जंगी है। नेक्स्ट इंस्टाग्रामर्स है, इंस्टाग्रामर्स के पास से कौन है आज, अब्दुल बासित है, फिर यूट्यूबर्स है लारेब है, चौथे आप है आमिर सियाल। चलो भाई आओ जल्दी से, चलिए चलिए जल्दी आओ, मैं कह रहा हूँ एक दफा जैकेट उतार के कर लो आराम से। नहीं चलो भाई रेडी आप लोग, ये देखो जंगी की चाल है, रेडी गो। Make a minute, 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 make a
बात है, मतलब कि ये चाय वाले डांस का रिवाइज वर्जन हो गया है भाई। जब चाय वाला था उसके बाद न्यूयॉर्क घूम कर आया, उसके बाद तो सारे स्टेप जो थे वो टेढ़े मेढ़े कर दिए। बहुत आला भाई, बहुत आला। हाँ आम खत्म वहीं पर हुआ है, पिलाऊंगा आपको चाय, बैठ जाओ जंगी जाके। हाँ भाई नेक्स्ट कौन है? तो तुम क्यों खड़े हो यहाँ पर? बैठ जाके मैं तो वैसे ही मैं बराबर बिठा दूँ, जगह खाली हो गई है, यहाँ बिठा दूँ? आप तो तुम यहीं बैठोगे, इधर यहाँ बैठो आगे, यहाँ बैठो आगे, ऐसा जहाँ पढ़ दूंगा। आ रहे थे तुम आ रहे थे अभी, और आप ही कैसे जिसे इनसे शरीफ को है नहीं। सर आप कह रहे हैं, सर ठीक है सर, सर बैठ गए, चलो भाई रेडी। सबकी सबकी कॉपी करेगा, चलो भाई देखेंगे कॉपी कैसी हो रही है। क्यों नहीं मिलेंगे भाई, एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस हुई तो टीम बताएगी, मेरी टीम देख रही है। रेडी गो। क्या बात है भाई, जबरदस्त, बहुत एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस थी, शाबाश। हाँ भाई रेडी, क्या कर रहे हो? खैरियत है? तुम्हें तो अपना डांस किसी को रिकमेंड नहीं करना है, डेडिकेट तो नहीं करना किसी को कि मैं इनको डेडिकेट कर रहा, ऐसा तो नहीं है ना है? नहीं नहीं मुझे क्या पता, आप कर सकते हैं किसी को डेडिकेट। रेडी गो। गो गाइस। मैं डरती रब रब कर दे, मैं डरती रब रब कर दे, मैं डरती रब रब कर दे, ये लोग की कहन छुई मुई छुई मुई छुई मुई तेरे जैसी कोई नहीं कोई नहीं तेरे जैसी, दुनिया यारा रंग बरंगी ना है बैठी ना है, दुनिया यारा रंग बरंगी ना है बैठी ना है, दुनिया यारा बोले कुछ मसला है, मसला है कुछ। ये जो बीयू होते हैं ना, ये कुछ मसले के तहत ही होते हैं बीयू। हाँ गर्दन भी देख रहा था मैं, कोई जरूरत नहीं थी हरकतें करने की यहाँ पर, खुदा ना खास्ता कहीं चोट लग जाए, कोई ऐसी इंजरी हो जाए। गाइस बी केयरफुल यार। चलो भाई जीत गया, चलो भाई ये जीत गया, बगैर बगैर डांस किए जीत गए इन्होंने, इतना शानदार अपने दिमाग में डांस कर लिया, जीत गए। रेडी हमारे साथ आए आमिर रोशन, गो गाइस। गड देना चढ़ दे गड देना चढ़ दे गड देना चढ़ दे गड देना चढ़ दे गड
अनोज इसको गार में बंद कर दे यार, ऐसा नाचा इसको गार में बंद कर दे और गार का ताला लगा के चाबी जो है ना कहीं फेंक दो। बढ़िया, डिसाइड करेगी मेरी टीम सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको किसकी लगी। ओवर टू यू गाइस, बताइएगा। आज मेरे ख्याल से सबसे अच्छा परफॉर्म लारेब ने किया है, तो यूट्यूबर्स को जाना चाहिए। ये 3 पॉइंट जाएंगे टीम यूट्यूबर्स के साथ। हाँ भाई, हो जाए। चतारा कार्ड की तरफ से बाइक जा रही है टीम यूट्यूबर्स के साथ, साथ साथ 3 पॉइंट्स भी विन की है यूट्यूबर्स। नेक्स्ट है म्यूजिकल चेयर, आ जाए चारों लड़कियां भाई। फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से जाएगी बाइक विनिंग टीम के साथ, साथ साथ ये 3 पॉइंट्स का गेम है। झाइयों का मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। हाँ भाई अब्दुल बासित बोलो। हम लोग तो प्रोफेशनल नहीं है ना डांस कर सकते, हाँ क्योंकि हम लोग इधर सीखने के लिए आए हैं, सीख बिल्कुल रहे हैं। सही, बिल्कुल तो सही। अगर थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है या सिर्फ ये बोला अच्छा देखो, जब तक लारेब डांस करने नहीं आया था ना, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये 3 पॉइंट्स आज तुम विन कर जाओगे, लेकिन लारेब ने 2 चीजें ऐसी की हैं जो उसने नहीं की। जो उसने बैक फ्लिप मारा किसी के साथ, बहुत मुश्किल। दूसरी चीज जो उसने वो सर पे रखे वो मूव करा था आगे और घूम के गिरा था, जो बहुत ही रिस्की है। जी बिल्कुल, वो उसके सबसे ज्यादा पॉइंट। लेकिन दानिश सर, आप लोगों ने हमेशा बोला है कि इधर न्यू स्टेप्स किया करो। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट न्यू स्टेप्स करता हूं, जब भी आता हूं मैं न्यू स्टेप्स करता हूं। हाँ। पुराने मैं रिपीट नहीं करता हूं। इधर बाकी सारे मतलब पुराने ज्यादा होते हैं, पुराने स्टेप्स ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसे कल मिला था, तुमने आज जो स्टेप्स किए सारे, वो सारे सबके कॉपी थे, इसमें न्यू तुम्हारे नहीं थे कोई। नहीं दानिश सर, आपने जैसे कल बोला था कि अगर डांस को देखा जाए तो शायद को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि लाजिम सी बात है। तो देखो अगर एंटरटेनमेंट में भी जाओगे ना, कि सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस वो भी लारेब की ही थी। मुझे अच्छी लगी थी तुम्हारी परफॉर्मेंस जब तक लारेब नहीं आया था। दरअसल मैं पॉइंट्स के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी टीम की तरफ से भी। देखो क्योंकि मैं तुम लोगों को बार बार मोटिवेट करता हूं, जब जब तुम लोग अच्छा परफॉर्म करते हो मैं खुद आके तुम्हें ब्रेक में ही बोलता हूं कि तुम लोग अच्छा करो, उसकी तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन यहां मैंने उनको राइट्स दिए हुए, वो जज करके बताते हैं। अगर मैं अपने ऊपर ले लूंगा ना ये बात कि यार मैं खुद जज करके बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं तुम लोगों को लगेगा कि मैं बायस हो रहा हूं, जबकि मैं चारों में से किसी टीम के साथ, किसी भी टीम के साथ नहीं हूं। लेकिन इसीलिए मैंने ये बड़े डिसीजन अपनी टीम को दिए हुए कि उनको जो 4-5 लोगों को मिलकर अच्छा लगे वो डिसाइड कर ले। नहीं दानिश सर, मतलब मैं ये कह रहा हूं, पिछले 3 बार से मैं परफॉर्म कर रहा हूं, मेरा नी भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गया पिछले बार में। मतलब मेरा ये भी नहीं बोला कि अच्छा किया बुरा किया, मतलब मुझे देखो तो हम किसी मतलब जो जीत रहा है सिर्फ हम उसको बोलते हैं। मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया हूँ। डीमोटिवेट तुम ना हो, तुम पहले से बहुत बेहतर हो। देखो तुम्हारी मोटिवेशन यही है सबसे बड़ी बात, कि तुम अपना पहला शो देखना और तुम आज देखो, तुम में जमीन आसमान का फर्क है, मैं तुमको बता रहा हूँ ये बात। इसी तरह कल बलाच ने जो डांस किया था, मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा था, ये वही बंदा जो कुछ नहीं करता था, तो यहाँ तक भी तो पहुंच ही गए हो ना मेहनत करके 1 साल में। इंशाल्लाह इससे बहुत आगे चले जाओगे। चलो भाई आ जाओ, पहले हाँ। शोज में हम कुछ भी नहीं करते, तुम सिर्फ चाय बना रहे हो, अपनी बात नहीं करना मुझसे। हाँ क्या, मैं पहले जैसे करता था उससे कहीं बेहतर करता हूं। आज बेहतर किया तुमने उससे। अब फ्लेक्स, चाय जो है उसमें दूध ज्यादा डल गया है, पानी कम है, चाय में दूध ज्यादा है, बहुत ज्यादा दूध पत्ती। क्या रेस्ट कर रही है आप, वैसे तो कुछ करती नहीं है, वहां भी रेस्ट यहाँ भी रेस्ट। चलो खड़ी जल्दी से, रेडी है आप लोग, हाथ पीछे और चेयर किसी ने हिलाई नहीं। नहीं बेटे हाथ तो ठीक है, चेयर नहीं हिलनी चाहिए बस। रेडी गो गाइस। ताली दे थल्ले बैके, ना बैके, ओ महिया वे महिया, करिए प्यार दिया गल्ला,
करिए प्यार दिया। ये क्या हो गया तुम्हें रबिका? कहाँ है तुम्हारे होश आजकल? कैसे रोज रोज हार जाती तुम? अब रबिका बाहर हो गई है, एक चढ़ाई है। फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से जाएगी बाइक विनिटी के साथ। रेडी गो गाइस। और माहिर हो गए बाहर। मुझे यकीन है कि रबिका की जगह अभिया ने ले ली है। अभिया बहुत फोकस खेल रही है। शाबाश अभिया, लगातार तीसरा चौथा दिन है कि तुम फाइनल में आई हो। शाबाश। ये क्या बेल्ट है आपकी? फिर ठीक है, रेडी गो। अभिया आप बोल दे जरा प्लीज, वरना हमने बोला झाइयों का मुकम्मल खात्मा। धरने में आवे हो तुम? चलो भाई अभिया क्या करिए आप? झाइयों का मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। सुन लिया के बैठ जाओ। चलो भाई जल्दी से बाइक निकालो। फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से बाइक विन की है, टीम चैंपियन है। साथ साथ तीन पॉइंट्स झाइयों का मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। बैठो हो जाए। बहुत अच्छा जनाब, तीन पॉइंट्स विन किए हैं टीम चैंपियन ने। साथ साथ फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से एक बाइक भी विन की है झाइयों का मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। लव इन नेक्स्ट गेम, जल्दी से नेक्स्ट है आज का डार्ट। दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, चारों टीम जल्दी से वन बाय वन दिखाओ भाई जल्दी से। पहली टीम कौन सी है? यूट्यूबर्स नंबर वन, उसके बाद टिकटॉकर्स आएंगे सेकेंड, तीसरी टीम है इंस्टाग्रामर्स, और चौथे आएंगे चैंपियंस। टिकटॉकर्स इंस्टाग्रामर्स किसकी तरफ से? एडोर की तरफ से। दो मोबाइल फोन हैं जो विनिंग टीम के साथ जाएंगे। साथ साथ दो पॉइंट्स हैं। हाँ भैया बोलो। एडोर दे खूबसूरती का एहसास। हाँ भैया बोलो। अभी दिखा, जिस दिन अभिया सबसे आगे होती है बार बार कहती है आज जरा स्कोर कार्ड तो दिखा दे, आज जरा कुछ तो कर दे। अभी अभी देख, अभी देखते। चलो भैया रेडी, हमारे पास अभी एक मिनट है, गो। चलो जाओ बोला सीरियस शेफ हटा दो। और ये 26 स्कोर किया है यूट्यूबर्स ने। आओ जल्दी से नेक्स्ट कौन है? मीर जंगी आएंगे टिकटॉकर्स के लिए। 26 स्कोर है यूट्यूबर्स का। रेडी गो जंगी, कम ऑन जल्दी जल्दी। 40 दो में 40 बहुत ज्यादा। 40 और ये हो गए 54 हटा दो। 54 बहुत ज्यादा जंगी। पीछे वाला नहीं तो ऊपर है ना, खुद ही हट गया, बढ़ जाओ। 3 में 54 है, 54 और ये 7 61 लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट 61 20 81 स्कोर कर दिया वीर जंगी ने, 81 स्कोर। आओ भाई नेक्स्ट कौन है इंस्टाग्रामर्स? चलो कमन 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 बोल जाए, तुमने कभी नहीं मारा ना, आज हो जाए। चलो रेडी गो। 81 स्कोर है। पास पूछो पास
44 हो गए, 45, 45 स्कोर किया था, बना दो, 45, सबसे आगे मीर जंगी 81 के साथ, बारी है आमिर की, जल्दी आमिर, टाइम नहीं है, कमन कमन कमन, रेडी गो, आज बना दो, एक पे आठ, दो में नौ, चलो 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 स्कोर किया, बारी आ गई मेरी, जल्दी हट जाओ हट जाओ, ये दो पॉइंट जा रहे टिकटॉकर्स के साथ आज के, एक नहीं रुक रहा है, रुक जाओ, रोको उसको, 17 बाहर बाहर मार दूं क्या, ये लो यार, कितने हुए 11, ये लो बाहर, छोड़ दिया ले आना जाना हमने छोड़ दिया, 3 दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, दो पॉइंट जाएगा टिकटॉकर्स के साथ, वापस मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, एडोर की तरफ से दो मोबाइल फोन जा रहे हैं टिकटॉकर्स के साथ, वापस आऊंगा उसके बाद बताऊंगा आगे क्या होने वाला है, एक घंटा रह गया गेम शो, ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा गेम शो, ऐसे चलेगा गेम शो, ऐसे चलेगा चलेगा, एडोर की तरफ से दो मोबाइल फोन्स और गिफ्ट हैम्पर विन की है टीम टिकटॉकर्स के साथ साथ, दो पॉइंट्स भी एडोर दे, खूबसूरती का एहसास कौन डांस करेगा, मैं, मैंने जीते दो पॉइंट्स, आ भाई हो जाए शोखे बड़े ने मर जाने, शोखे बड़े ने मर जाने, ये नोटा ना लोड कोई ना, जिन्ना दे घर विच जाने, ओना दे कब देने से आने, ओना दे घर विच जाने, ओना दे कब मैं जल्दी से आ गया, मैंने कहा इससे पहले कोई अजीब सा स्टेप करते जंगी फौरन आ जाओ, जनाब दो पॉइंट्स विन किए टिकटॉकर्स ने, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आज का सुर संभाल के, हां भाई देखते हैं किस किस के सुर संभाल के लगेंगे, सबसे पहले कौन सी टीम आ रही है, तीन पॉइंट्स के लिए आएंगे चैंपियंस, सेकेंड इंस्टाग्रामर्स, थर्ड टिकटॉकर्स और फोर्थ यूट्यूबर्स, आ जाओ बोल बचत वाला कार्ड की तरफ से जाएगी बाइक विनिंग टीम के साथ साथ साथ, ये भी तीन पॉइंट है, बड़े इंपॉर्टेंट तीन पॉइंट है हर टीम के लिए, कौन सा गाना है, तुम नाराज हो, कौन नाराज है, तुम नाराज हो, तमीज से बात करना, क्या गाने का नाम है तुम, अच्छा तुम नाराज हो गाने का नाम है, सज्जाद भाई का गाना है और आमिर भी आप भी गा रहे हो, आज मैं जीतूंगा सर कुछ भी हो सर, उनके भाई या बड़े इजाजत ले लो पहले, जी सर मैं लकी भाई को सुनाया है गाना स्टार्ट में, लकी भाई ने बोला है बिल्कुल सही जा रहे हो, तो लकी आप बेहोश तो नहीं हो जब सुनाया था आमिर, नहीं दानिश भाई मजाक कर रहे हैं, सीरियस नहीं लेना लकी, सीरियस नहीं है, नहीं मतलब सीरियस वो फिर भाई तुम गाओगे अच्छा वो दे देंगे, उनसे ज्यादा समझ अभी तक म्यूजिक की किसी को नहीं है यहाँ पर, जी सर रेडी गाइस गो चलो, क्या बात है अभी, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबान को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबान को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबान को जरा समझो,
किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर, मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर, साथ ही खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर। तुम नाराज हो मेरे कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो। मुखड़ा एक प्लेयर ने गाना है, अंतरा एक प्लेयर ने गाना है, दैट्स इट, आगे नहीं गाना है। सही है, नहीं मुखड़ा तुमने गाया था लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो गया। आ जाओ रेडी, नेक्स्ट कौन है जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी गाइस। तेरी याद आती है, तेरी याद आती है। अच्छा बाजी गाना गा रही है, हमें क्या, रेडी गो। जब चांदनी बढ़कर रातों में छाती है, जब चांदनी बढ़कर रातों में छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद आती है, इससे वो बहारों के बीते नजारों के, इससे वो बहारों के बीते नजारों के, फिर आँख सुनाती है और हमको रुलाती है, तेरी याद आती है। जब याद मेरी तुमको हर वक्त रुलाए तो हर सांस जुदाई की मुश्किल हो जाए तो, फिर भूल के सब बातें मेरे पास आ जाना, और तोड़ के सपना दे मेरे पास आ जाना, फिर लौट के मत जाना। जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद आती है। मुसलसल इंप्रूव करते हुए जा रहे हैं ये लोग, जबरदस्त, शाबाश, बेहतरीन। हाँ भाई नेक्स्ट कौन है, आ जाओ भाई जल्दी से, कौन सा गाना, आ जाओ। ये गाना तुम 27 नहीं 70 दफा गा चुका है ये गाना, बिस्मिल्लाह करा, हर सीजन में आके एक बार जरूर गा के जाता है ये गाना। इसको अगर हम एज ए गेस्ट बुलाते हैं उसमें भी यही गाना गा के चला जाता है ये। हाँ एक ये गाता है और तुम चले आओ, पहाड़ों की कसम भी खत्म नहीं हो रही इस आदमी की, हर सीजन में पहाड़ों की कसम गा के आता है ये। रेडी गो। प्यार जो है क्यों माये दा क्यों डोले दा, किला करा मैं ते लगवारी, बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा।
करा, बिस्मिल्ला करा। चलो नॉट बैड नॉट बैड, लेकिन मुझे एक जगह पे ये लगा था, दिखाना जरा माइक, एक माइक दे जरा, ये शुरू यहाँ से, तो मैंने कहा था सारे ओ माड़ाए थे, लेकिन ऐसा गाया नहीं इसने। चलो है? कौन रॉक सर? हाँ कौन है? आ गए, आराम से जरा, बहुत अच्छा गाना गाता है ये, पहाड़ों की कसम। सोना ना चांदी ना डायमंड्स ना फिर और किसकी, आज आज सोने चांदी की कसम खा रही है। रेडे गो गाइस। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सगर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। या के करो ना कंटेंपरेरी, या करो साथ बता दूं। अच्छा एक मिनट एक मिनट, अब जो असल सुरीला आदमी है ना उसकी आवाज में गाना हो जाए, माइक दे के रहो लकी को, लकी सुनाएगा मेरा भाई को जबरदस्त सा गाना, हो जाए भाई वैलेंटाइन, वैलेंटाइन कोई वैलेंटाइन नहीं, हो जाए। अरे मेरे लिए तीन पॉइंट, थैंक यू, तो मैं आज अपने हिसाब से किसी को भी दे दूं तो ये तीन पॉइंट मेरे और शहरोज के हो गए। हो जाए लकी की आवाज में। हुस्न की देनी है मैं तेरा पुजारी, तू हुस्न की देनी है मैं तेरा पुजारी, तारीफ करूं क्या तेरी तेरा। यार पूरा इंसाइक्लोपीडिया यार ये लोग, ऐसे ऐसे गाने, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज्यादा, मुझे मैंने सुने हुए गाने लेकिन मैं किसी लेवल पे नहीं हूँ आप लोगों के, यार बहुत आला, एक दफा तालियां मेरी टीम के लिए होनी चाहिए यार, शानदार जबरदस्त। जल्दी से बताइएगा कि आज ये तीन पॉइंट्स का हकदार कौन है? ओवर टू यू। यूट्यूबर्स की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी जी, बाकी चैंपियंस में इन्होंने अभियान ने अच्छी कोशिश की थी, बाकी उमेर इनके साथ नहीं दे सके, आमिर 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 हमेशा मैं गलत करता हूँ, आमिर ने साथ नहीं दिया इनका, बाकी टिकटॉकर्स में से भी आज अभी सॉरी रबी का बहुत अच्छा गा रही थी लेकिन उनके साथ नहीं दे सके, बाकी आज इंस्टाग्रामर्स में माहीन और
लारेब ने बिल्कुल सुर में गाया मास मास और मास मास और कोई बात नहीं उसको मिक्स हो जाते हैं नाम यार कोई बात नहीं। हाँ जी तो बहुत अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है मास जो है वो काफी इम्प्रूव कर गया है। हाँ जी और मैंने इसको समझाया भी था तो उसको मेरी बात समझ में आ गई। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ लक्की भाई को भी और रफी भाई को भी मतलब मुझे बता रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर के इस तरह सुर में उठाना है और लो लेवल से उठाना है या हाई लेवल से सब बता रहे हैं मतलब जबरदस्त यार बेहतरीन क्या बात और तुम्हारे हो बहुत हमें बहुत अच्छी चीज की खुशी है तो प्लीज दानिश भाई इन लोग को आज जाना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स ये वर्ल्ड डिजर्विंग 3 पॉइंट्स आज फिर से माज आया है माज छाया है 3 पॉइंट्स जाएंगे इंस्टाग्राम के साथ आ जाओ हो जाएगा इस दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूं बैठ जाओ 3 पॉइंट्स विन किए टीम इंस्टाग्राम के साथ साथ बोल बचत वाला कार्ड की तरफ से बाइक भी जाएगी इनके साथ। नेक्स्ट है आज की हॉकी चारों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जल्दी आ जाओ क्या हो गया लारे तुम खैरियत से हो। हाँ सबसे पहले यूट्यूबर्स ही है सबसे पहले यूट्यूबर्स का मुकाबला है किन के साथ वो है चैंपियंस लो भाई आ जाओ यूट्यूबर्स वर्सेस चैंपियंस एबीजी जींस की तरफ से बाइक जाएगी विनिंग टीम के साथ देखता हूँ वो विनिंग टीम आज कौन सी रहती है 3 पॉइंट्स है पाकिस्तान नंबर 1 जींस एबीजी जींस आओ जल्दी से शादाज रेडी इंतजार किस बात मैं बताता हूँ आज बहुत लेट कर रही है आज क्या चक्कर है वैलेंटाइन होगा तुम्हारे लिए हमारे लिए कुछ नहीं है ये जल्दी आ जाओ बात बात है सर आज तो वैलेंटाइन सर आज तो वैलेंटाइन मैं क्या करूँ वैलेंटाइन का चलो जल्दी जाओ चलो भाई लड़े खैरियत है अच्छा मैंने कहा नहीं तुम लारिफ की तरह से दिख रहे थे कि पता नहीं क्या चलो भाई फिर ठीक है फिर ठीक चलो भाई लड़े है अगर ये गोल टूट गया हमारा दूसरा बनाने में 1 हफ्ता लग जाता है खत्म हो जाएगा ये इसकी वजह से बाल झड़ जाएंगे तुम्हारे ऐसा कुछ नहीं होगा ए बी जी चीज की तरफ से बाइक दूंगा रेडे गो ये अरे अरे वो मेरे के पास बाहर हो गई लारे मई से लोग पीछे रेडे गो लारे ये बहुत आला निकाली लारे अपने बार बाहर कर दी। अच्छा आमिर तो ऐसे ये ऐसे हॉकी के कोच बने हुए यहां से गो सर एलेक्स फर्ग्यूसन बाहर कॉर्नर है कॉर्नर वहां से लो जल्दी से टाइम कवर जल्दी आओ रेडे गो और ये बहुत अरे अरे और ये अरे गोल बच गया गोल कर दिया गोल पोस्ट से लगे सुनो एक बार रिप्ले दिखाता हूं बता रहा हूं एक मिनट बात तो सुन लो यहां से लग के बॉल इसके साथ ही फिर भी रिप्ले देख एक रिप्ले आओ रिप्ले दिखाओ आओ रिप्ले दिखाओ ना आओ रिप्ले दिखाइएगा मुझे जल्दी से कहाँ है बॉल ये बाहर है पागल हो गए क्या तुम नहीं बेटे गोल हो गया ये बाहर नहीं है बॉल तुम्हारे पैर से लग के बॉल गोल पोस्ट से आगे है गोल पोस्ट से पीछे नहीं गई है फिर दिखाऊं दिखाओ रिप्ले दिखाओ एक दफा और इधर आओ मैं समझाऊं इधर आओ दोनों लारे भी इधर आओ शाताज तुम भी इधर आओ शाताज को भी बुलाओ इधर आओ शाताज दोबारा पीछे करो अब देखो तुम्हारे देखना अभी ये तुम्हारे पैर से लगी बॉल मार रुक गई ये गोल पोस्ट है ये बॉल आगे पड़ी हुई कहां से बाहर हो गई बॉल आगे है तुम लोग रुके क्यों थे मेरी समझ में नहीं आया लारे भी रुक गया था क्योंकि बॉल आगे थी उनको तो एडवांटेज मिलेगा ना यार नहीं तो उनको एडवांटेज तो मिलेगा ना लारे भी क्या बात हुई बच्चों वाली चलो भाई चैंपियंस आ गया फाइनल में मुकाबला है टिकटॉकर्स का आप यहां देखें आप यहां खेलें बस कहां घूम रही हो तुम जुम्मा बाजार लगा रेडे लगेगी बॉल पीछे लग जाएगी बॉल मैं कह रहा हूं ना बॉल लग जाएगी पीछे गो चलो है कहां अरे मास के पास बाहर हाँ हाँ तुम रेडे गो तो क्या हो गया हटा दो पीछे जाओ जंगी पीछे जाओ गो ये और बहुत आला से रवि का रेडी थी जंगी को मौका मिला बॉल लेके आगे जाके गोल कर दिया अरे जंगी का बेहतरीन गोल बहुत आला इंस्टाग्रामर्स हो गए बाहर इस तरह ये फाइनल है अब टीम टिकटॉकर्स वर्सेस टीम चैंपियंस जैसा कि मैंने शुरू में बोला था
ये पूरे कैपेबल है कम बैक करने के टिकटॉकर्स, किसी वक्त भी कोई सा भी गेम जीत जाते हैं और इनकी वापसी हो जाती है। आइए देखते हैं कि इनकी वापसी हॉकी में हो रही है या नहीं। तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट। रेडी गो, पहला हाफ स्टार्ट हो गया। बहुत आला सेव यार, और जंगी से लगे बाहर। यहां से लोगे उमर, पीछे जाओ जंगी, पीछे जाओ, गो बाहर जंगी, जंगी 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 जल्दी से जंगी को दो, जंगी को दो, जंगी पीछे, जंगी पीछे, गो जंगी। और ये जंगी ने बॉल, बहुत आला बॉल आई, बाहर हो गया, ये गोल हो सकता था। चलो जंगी लेगा, जंगी लेगा, कम ऑन, रेडी गो जंगी। और जंगी को मौका मिला, बाहर कर दी जंगी ने, जल्दी आओ जंगी, तुम कैसे बेल्ट पहन के आना, गो। बहुत आला सेव रवि का। और ये अब जंगी के पास मौका, गोल कर दिया, वन नेल जंगी। पीछे 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 गो, और बाहर जंगी को दो, जंगी को दो, जंगी को दो, जंगी कम ऑन, रेडी गो जंगी। और ये उमर के पास, फिर से उमर के पास, बाहर जंगी लेगा, जल्दी से गाइस, पीछे 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 जाओ, पीछे जाओ, गो। ये और जंगी ने ट्राई करना था, देर कर दी जंगी ने, फिर जंगी लेगा, बाहर हो गया, गो जंगी, गोल कर दिया, दो गोल। वापस आओ, जल्दी आओ, बॉल दो, टाइम रुको गाइस, गो, गोल कर दिया, 2-1, चलो चलो चलो, 2-1, गो, रेडी गो, बाहर जल्दी से, टाइम अप हो गया गाइस, दो गोल्स किए हैं टिकटॉकर से, वहीं पर एक गोल किया है, चैंपियंस से स्टार्ट करेंगे अब, चैंपियंस ये आखिरी हाफ है, जिस टीम ने भी ज्यादा गोल्स किए तीन पॉइंट और बॉल में जितना कार्ड नहीं, एबीजी जींस की तरफ से बाइक जाएगी विनिंग टीम के साथ, रेडी गो, चलो। और ये बाहर जंगी से लगी है, पीछे 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 पीछे, कोई बात, गो बाहर आओ जल्दी से, वोरी बॉल जंगी, वोरी जल्दी आओ, दो गोल से टिकटॉकर जीत रहे हैं अभी तक, गो बाहर, उमेर को दो जल्दी से, जंगी पीछे जाओ, गो। और जंगी के पास बॉल है, बाहर यहां दो जल्दी से, जंगी को दो, गो जंगी। और ये फिर से बाहर, जंगी को दो, दो गोल से टिकटॉकर्स आगे, गो। और जंगी के पास बाहर, उमेर को दो जल्दी से यार, ये टाइम रुको, 32 सेकंड्स पे टाइम रुको, 32 सेकंड्स पे लाओ, रुक जाओ, 32 सेकंड्स पे आएगा टाइम, टाइम फौरन रोका करो, यहां देखो, रेडी गो, चलो बाहर आओ जंगी, जल्दी से जंगी को दो, रेडी गो, जंगी के पास बॉल, और ये बॉल बाहर, उमर से लग के बाहर, कॉर्नर है, उमर से लग के बाहर, हुआ कॉर्नर, जाओ जंगी, रेडी गो जंगी, चलो जंगी बाहर, जंगी से बाहर हो गई, उमर लेगा, पीछे जाओ जंगी, पीछे जाओ, गो बाहर, जंगी से लग के बाहर, जंगी पीछे जाओ, गो बाहर आओ जल्दी से, 14 सेकंड्स बाकी है सिर्फ, 14 सेकंड्स पे रुको गाइस, एक मिनट 14 सेकंड्स गाइस, ये टाइम क्यों चल रहा है, क्या हो गया, तुम लोग सो रहे हो क्या, रेडी गो। और ये जंगी के पास बॉल है, और बहुत आराम से, 5 सेकंड्स पे रोको, जल्दी से 5 सेकंड्स पे रोको बॉल यहाँ आउट हो गई थी, मैंने टाइम देखा था, रेडी पीछे जाओ, गो बाहर, जंगी से लग के बाहर, कॉर्नर है, जल्दी आओ पीछे जाओ लाइन में जाओ, उमर लाइन में जाओ, गो। और ये बाहर जल्दी से, 2 सेकंड्स है, आखिरी 2 सेकंड्स है, पीछे जाओ जंगी, जंगी पीछे हो, पीछे जंगी पीछे हुआ करो, रेडी गो। और ये बहुत आला सेव, टाइम अप, इस तरह 2 गोल्स किए, जैसा कि मुझे लग रहा था टिकटॉकर्स कम बैक कर सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स और एबीजी जीस की तरफ से ये बाइक जाएगी, निकालो भाई जल्दी से टिकटॉकर्स के साथ, पाकिस्तान नंबर 1 जीन्स एबीजी जीन्स, बैठो उस पे, हो जाए इस नाम से पुकारो, इस नाम से पुकारो, या नाम है
एबीजीजी की तरफ से ये बाइक विन की है टीम टिकटॉकर्स ने, साथ साथ 3 पॉइंट्स भी। पाकिस्तान नंबर 1 जींस एबीजी जींस। लो भाई नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जल्दी से, नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट, जल्दी से आओ देखो पहले कौन सी टीम आ रही है। सबसे पहले यूट्यूबर्स आएंगे, यूट्यूबर्स के बाद इंस्टाग्रामर्स। हाँ आवाज नहीं आ रही, इंस्टाग्राम सर। हाँ पाकिस्तान नंबर 1 जींस एबीजींस। ये एबीजींस पहने हो तुम? जी सर। फिर ठीक है बैठ जाओ, थैंक यू। अच्छा थर्ड आएंगे चैंपियंस और फोर्थ आएंगे इंस्टाग्रामर्स। आप लोग फर्स्ट, सेकंड टिकटॉकर्स, थर्ड चैंपियंस, फोर्थ इंस्टाग्रामर्स। आओ भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी आओ, देखते हैं क्या सिचुएशन निकलती है यूट्यूबर्स की। रेडी हो गाइस? अच्छा इससे पहले जरा मुझे दिखाइएगा कि पॉइंट टेबल की क्या पोजीशन है, आज कौन सी टीम खेलने वाली है या आगे जाके खेलेगी, गेम चेंजर। जरा जल्दी से दिखाइएगा मुझे जी, दिखाइएगा। यूट्यूबर्स 8 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स इंस्टाग्रामर्स, टिकटॉकर्स 5 पॉइंट्स और 14 पॉइंट्स हैं अभी तक चैंपियंस के। इसका मतलब है कि ये 3 पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है हर टीम के लिए अगर गेम चेंजर के अंदर इन रहना है। गाइज आ जाओ, सिचुएशन तुम लोगों के लिए, आज मोहब्बत करने वालों का दिन है। लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, लड़का और लड़की की सारी बातें करें, लड़का और लड़की सारी बातें करेंगे मगर लड़की चाह रही है कि लड़का मोहब्बत का इजहार करे और लड़का चाह रहा है कि पहले लड़की मोहब्बत का इजहार करे। ये सिचुएशन किसने लिखी है? अली ने लिखी है, बिलाल ने लिखी है, किसने लिखी है? फराज ने लिखी है। फराज मैं आता हूँ तुमसे मिलने अभी, आपकी इटा आपके लिए आइडियल सिचुएशन है। डिफ़िकल्ट है ये आपके लिए, तो बड़ी ईजी होनी चाहिए। हाँ मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो। हाँ क्या क्या कर तुमने? तो इनसे करा लेंगे, ये लड़की बन जाएंगे तो फिर इनसे, ओ मेरा मतलब नहीं, यहाँ बराबर वाली टीम में तो नहीं जा सकते। ये टीम है आज मोहब्बत करने वालों का दिन है, लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, लड़का और लड़की सारी बातें करेंगे मगर लड़की चाह रही है कि लड़का पहले मोहब्बत का इजहार करे, लड़का चाह रहा है कि पहले लड़की मोहब्बत का इजहार करे। ये सीरियस है, ये रोमांटिक है, ये कॉमेडी नहीं होगी इसमें। आओ जल्दी से, और म्यूजिक के बैठे हैं मेरा अप्पी, तो रही सही कसर जो है वो अप्पी पूरी कर देगा। एक मिनट है तुम लोगों के पास, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तुम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ करके? अच्छा कैसे कैसे लोगे, रेडी गो। क्लास हो गए जी, और क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं ऐसे ही, आप बताएं। बस शुक्र। कैसे चल रही है क्लासेस, सब सही चल रहा है? हाँ सब ठीक चल रहा है। और सुनने में आया कि कुछ कोई पसंद आया आपको, ऐसे रूमर्स फैले हैं यूनिवर्सिटी में। नहीं मुझे लगता है कि आपको कुछ कहना था। कहना तो है बट थोड़ा सा हिचकिचाहट है मुझे बोलने। आज कुछ है शायद, होता तो रोज़ है मुझे मगर हिम्मत नहीं पड़ती कभी बोलने की। मुझे कुछ सुनना है अगर आप बोलें तो। सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है पर मुझे ये कि आप मुझसे दोस्ती भी ना ख़त्म कर लें। मैं दोस्ती, हाँ लेकिन आप बोले ना। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मुझे भी ये कहना था। टाइम अप, आप दोनों के दरमियान माइंड बैठी। बहुत अच्छा शॉट बनाया तुम्हारे कैमरामैन ने, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, नॉट बैड। अच्छा जी ठीक है, नेक्स्ट कौन थे? टिकटॉकर्स हैं जी, आप ही हैं टिकटॉकर्स, फिर चैंपियंस, उसके बाद इंस्टाग्रामर्स। एक लड़का सड़क पर बाल लंबे करने का तेल बेच रहा है, उसके बाल लंबे करने का तेल बहुत मशहूर है, अब वो अपने तेल के फायदे बता रहा है और तेल बेच रहा है। बाल लंबे, बाल घने, बाल काले, सफ़ेद बाल ख़त्म और फायदे ही फायदे, ये तुम ही बेच सकते हो। बता के कि तुम्हारे बाल बहुत लंबे आ जाओ। हाँ ये दोनों आएंगे खरीदने, आ जाओ भाई। एक लड़का सड़क पे बाल लंबे करने का तेल बेच रहा है, उसके बाल लंबे करने का तेल बहुत मशहूर है, अब वो अपने तेल के फायदे बता रहा है और तेल बेच रहा है। बाल लंबे, बाल घने, बाल काले, सफ़ेद बाल ख़त्म और फायदे ही फायदे, आ जाओ जल्दी से। ये देखो लंबे बाल, लंबे बालों का तेल खरीदने आई हैं आप भी खरीदने आए, रेडी गो। तेल वाले, बादाम का तेल है, कोबरे का तेल है, मुझे तेल चाहिए, तेल चाहिए। कोई ऐसा तेल, मेरे बाल ऐसे लंबे हो, ऐसे
सर आप उधर सामने खड़े हो जरा एक मिनट जी, आपको ऐसे बाल चाहिए? ऐसे बाल चाहिए नहीं, और एकदम खूबसूरत खूबसूरत नहीं, सिर्फ ऐसे हो। अच्छा अच्छा, मैं आपको एक तेल दिखा रहा हूँ, आप वो तेल लेंगे, आपके मूंछों के बाल भी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, दाढ़ी के बाल भी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, और सर के बाल तो बहुत ही ज्यादा शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। रुको रुको, आप ये तेल चेक करें, ये कॉम्बो है, इसमें बादाम का, धनिया का और सरसों का तेल मिक्स है, आप ये लगाए, इसमें आपको बहुत बहुत फायदे। मुझे ऐसा तेल चाहिए जुए स्लिप होके गिरे। अच्छा हाँ, खत्म हो जाए सारी। तो फिर आप जो है ना वो मोटर बाइक का ऑयल लगा लें, उससे ज़्यादा अच्छी स्लीप हो जाएंगी। नहीं ना ऐसे छोड़ो बाजी, आप बताओ कौन सा। अल्लाह माफ करे, इन बालों में तो जुआ भी घूम जाएगा, तीन जगह से उसकी टांगे टूट जाएगी। चलो गंजे चलो, सबर कर ले, दे रहा हूँ तेल। अच्छा, मुझे दिखा दो तुम कोई तेल। मैं हाँ, एक मिनट चुप रहना, आवाज ना निकले तुम्हारी। बाजी ये वाला तेल दे रहे, सही है, इसमें बहुत सारा अच्छा कॉम्बो बना हुआ है, इसमें जो है ना मुझे तेल दिखाओ। तेल की स्मेल भी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जग्गी जो है वो तेल लेने भी आ रहा है, बच्चे तेल दिखाओ। बताओ ये खरीदने आ रहा है या बदमाशी दिखा रहा है? बहुत आला जनाब, जबरदस्त बेहतरीन। बारी है चैंपियंस की, आओ भाई चैंपियंस, तुम्हारे लिए सिचुएशन देखते क्या निकलती है। एक लड़की सिंगिंग का ऑडिशन देने आई है, दो लड़के ऑडिशन ले रहे हैं, उनको सिंगिंग की अलिफ बे भी नहीं पता। ये तो रियल लाइफ आ गया। आप सिंगिंग ऑडिशन देने आई है, ये दोनों आपको ऑडिशन ले रहे हैं, इनको अलिफ बे भी नहीं पता। लड़की अच्छा गाना गा रही है, मगर वो दोनों जजेस जान बूझ कर कीड़े निकाल रहे हैं। इसके गाने में तुमने कीड़े निकाल, अनु मलिक क्या बोला? आ जाओ, अच्छा गा रही है लेकिन आप दोनों क्योंकि आपको अलिफ बे नहीं पता, तो एक तरफ आओ ना, इस तरफ आओ ना, सामने से आओगी ना तुम ऑडिशन के लिए। आपने बोला है नेक्स्ट, हाँ बैठे हुए ही, देखो जजेस, देखो हमारे यहाँ के जजेस, अरे गो एक मिनट, अच्छा रुको, हाँ कोई था पाकिस्तानी, हाँ हाँ कोई सही पाकिस्तानी, रेडी गो नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अबीहा फातिमा है जी जी। मैं आपको अपना गाना सुनाने आई हूँ, वैसे मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। तारा रा 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 रा, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात मुझे बुला रही जाए। नहीं सर मैं गाना सुना रही हूँ, गाना सुना रही हूँ। बात बन जाए, बहुत आपका बात बन जाए पे कुछ मेरे को सेट नहीं करा। एक सेकेंड, पांव बंद करके बैठ, मजा नहीं आया, सच में मजा नहीं आया। मैं आपको मजे की नहीं देखे, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। एक सेकंड, तुझे बुला रही है। एक सेकंड मैं आपको बताऊं, आप ना मेहनत की जरूरत है। हाँ थोड़ी मेहनत और मेहनत, वहाँ पे ईंटे मीटे पड़े उठा के रख दो, मेहनत करें आप। अच्छा, अच्छा। मेहनत करें सारी। मैं आपको दूसरा गाना सुनाती, दूसरा गाना सुन ले। नहीं यार मेरे हिसाब से तो रिजेक्ट है, इसकी नाक खुल रही है। आखिरी अच्छा जी, एक आंटी है, उनका एक बाग है जिसके अंदर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, और दो बच्चे हैं जो बहुत शरीर है, वो उस बाग में जाते हैं, पत्थर मारते हैं और फल तोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन आज वो आंटी उन बच्चों को पकड़ लेंगी और उनकी ठीक ठाक पिटाई करेंगी। आओ जल्दी से, दो बच्चे और एक आंटी होंगी, आ जाओ जल्दी से जल्दी से, एक मिनट है तुम लोगों के पास। अच्छा जी आंटी कौन बन रहा है? ये आंटी है हमारी माजी। चलो भाई एक मिनट है, शाबाश आ जाओ, पहले ये तोड़ रहे होंगे फिर आंटी जी आएंगी, सही है? चलो रेडी, ये दो बच्चे, शरीर बच्चे, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा, गो। मुझे आज आम खाने का दिल कर रहा है, इधर पास में एक बाग है, लेकिन आंटी बहुत खतरनाक है, ख्याल करना। वो देखिए पानी आम के दरख्त पे, चलो ये एक मिनट, पत्थर से मार। केले कभी बहुत अच्छे हैं, केले कभी, ये आम गिर गया। अरे मुझे सेब दे दो तोड़ के, मेरा हाथ। चलो मैं बैठ जाती हूं, मैं क्यों करूं, मैं अपने आम के दरख्त और केले के दरख्त की हिफाजत करती हूं। अरे सेब, ये लो सेब। अरे ये वाह वाह, कितना बड़ा प्यारा सेब, खाओ। अरे ये तो क्या, ये किसने तोड़ा है? मैंने आम लगाए थे यहाँ पर, सारे आम गायब कर दिए तुम लोगों ने। आंटी इसने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? इसका मुंह देखो, जल्दी बताओ, मुंह देखो, इसके मुंह में अभी भी आम है। किसका मुंह देखूं? इसका या इसका? इसका मुंह देखो, इसका। दोनों ही खा रहे हो? नहीं नहीं, देखो अपनी गर्दन तक तुम्हारे रस जा रहा है आम का। नहीं नहीं, ये तो बचपन से बीमारी लगी थी मुझे। क्यों मेरा आम का दरख्त तोड़ा? क्यों तोड़ा आम का दरख्त? आंटी आंटी आप लाठी मारती हैं, आंटी आप लाठी लगाई होगी तुम्हारे पापा के लगाएंगे। आंटी आप लात भी मारती है? नहीं मैंने सेब नहीं तोड़ा, आम का दरख्त तोड़ दिया। आंटी और तुमने केले मेरे खाली सारे? नहीं नहीं मैंने आंटी इसने मारा। रोज रोज टाइम अप
अच्छा माहिन की बात कोई सुनता ही नहीं है, माहिन से बोल रही मेरे हाथ नहीं जाएंगे, जरा सेब तोड़ के दे दो, कहता भाई खुद तोड़ दो जाके भाई ना जाओ। चलो भाई डिसाइड करेगी मेरी टीम आपको सबसे बेहतर परफॉर्मेंस सिचुएशन के हिसाब से आज किसकी लगी है, बताइएगा पहले आप। आज इंस्टाग्रामर्स की भी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी बेहतर थी परफॉर्मेंस। ओके, और बाकी सबने अपनी अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की आज, लेकिन हम लोग को जो सबसे अच्छी जो लगी परफॉर्मेंस आज टिकटॉकर्स की लगी। बाकी आपकी राय इसमें बहुत शामिल होनी चाहिए। जी मेरे हिसाब से टिकटॉकर्स भी बेहतर थे और मेरे हिसाब से यूट्यूबर्स भी बेहतर थे, क्योंकि उनकी सिचुएशन सीरियस थी तो वो अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज किया था। तो मेरे हिसाब से ये 3 points टिकटॉकर्स के साथ भी जाएंगे और यूट्यूबर्स के साथ भी जाएंगे, हो जाएगा इस। तेरे इश्क न जाया, तेरे इश्क न जाया, तेरे इश्क न जाया, बोल बच्चे तारा कार्ड की तरफ से बाइक जाएगी एक टीम यूट्यूबर्स के साथ और एक बाइक जाएगी टिकटॉकर्स के साथ, साथ साथ 3 points दोनों टीम्स ने विन किए हैं। ये टाइम आ चुका है देखने का कि आज कौन सी टीम खेलेगी गेम चेंजर, जरा मुझे दिखाइएगा और इनमें से सबके होश उड़ाइएगा, दिखाइए। अभी मैं गिर जाता पीछे, चलो भाई दिखाइए। 11 पॉइंट्स हैं यूट्यूबर्स के, 5 पॉइंट्स हैं इंस्टाग्रामर्स के, इंस्टाग्रामर्स हो गए बाहर, टिकटॉकर्स के 8 पॉइंट्स हैं, चैंपियंस के 14 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है कि अभी तक 3 टीम्स खेल रही हैं, लेकिन अब नहीं, यही से मैं रोजाना सोचता हूँ कि बात है यही से आएंगे। क्यों रेडी? इसका मतलब है कि 3 टीम्स हैं जो हमारे साथ खेलेंगी गेम चेंजर, सिर्फ एक टीम है इंस्टाग्रामर्स जो बाहर हो गई है। कल भी तुम लोग बाहर हो गए थे, क्या हो गया इंस्टाग्रामर्स को? तुम लोग डिफेंडिंग चैंपियन हो। क्या डैमेज हो यार? नहीं और बैक तो, लेकिन बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो तुम लोग अच्छा खेलते थे और नहीं खेल पा रहे हो। किस्मत भी साथ नहीं है सर, पोटी भी आ, लेकिन यार चलो कम से कम गेम चेंजर तक तो बंदा इन रहा है। गेम चेंजर से इंस्टाग्रामर्स आउट हो रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आज बात करूंगा वापसी में तुम लोगों से मैं। चलिए जी, और चैंपियंस को हमने बड़ी बिल्ली बना दिया, आज मौका मिल गया इनको शेर बनने का, देखते हैं कि बन पाते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से आज सेकंड टाइम खेल रहे हो तुम लोग गेम चेंजर, खेले थे माइक बोला करो ना, अभी तक टोटल कितने लास्ट वीक खेला था ना। चलो देखते हैं कि आज किस्मत तुम लोगों का साथ देती है या नहीं। टोटल 3 मिनट है हमारे पास गेम चेंजर खेलने के। आमिर जल्दी से बताओ कौन कौन से ब्रीफ केसेस चाहिए, जल्दी से याद रखो तुम्हारे पास टोटल 4 चांसेस है। हाँ नंबर 1 अभिया के लिए, नंबर 1 दीजिएगा अभिया को, और बताओ नंबर 7 उमेर के लिए, नंबर 7 दीजिएगा चैंपियंस को, आखिरी नंबर 2 सर नंबर 2 भी दीजिएगा चैंपियंस को। अब तुम्हारा ही एक और चांस जो कि इंस्टाग्रामर्स के पास है, बताओ इन्हें कौन सा ब्रीफकेस देना है, जल्दी से गाइस टाइम जा रहा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। नंबर 4 दीजिएगा टीम इंस्टाग्रामर्स को। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, टिकटॉकर्स भी जीत सकते हैं यूट्यूबर्स भी जीत सकते हैं आज, जल्दी बताओ कौन सा ब्रीफकेस जाएगा पहले टिकटॉकर्स के पास। जल्दी से, अब तो किस्मत ही बताएगी कि तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है। गाइस टाइम जा रहा है, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं खेलने के लिए। आमिर अबिया जल्दी से बताओ टिकटॉकर्स को कौन सा ब्रीफकेस जाना है, टिकटॉकर्स जीत सकते हैं आज यूट्यूबर्स भी जीत सकते हैं, बोलो आमिर। जी सर टिकटॉकर को देना है ना सर। आमिर मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, टाइम नहीं है हमारे पास। नंबर 6 जी सर, नंबर 6 दीजिए टिकटॉकर्स को, और नंबर 9 यूट्यूबर्स को, नंबर 9 यूट्यूबर्स को, नंबर 9 दीजिएगा यूट्यूबर्स को। आइए शुरू करते हैं आज का गेम चेंजर जो चैंपियंस खेल रहे हैं काफी दिनों के बाद। लाओ भाई चैंपियंस, पहला कौन सा ब्रीफकेस ओपन करूं? नंबर 1। दूसरा? नंबर 2। तीसरा? बस पहले लाओ भाई 1 और 2 ले आओ, इन्होंने 1 और 2 ओपन कराया है। मैं जल्दी से 1
और टू ओपन करता हूँ। जब तक मैं किसी ब्रीफकेस को ओपन नहीं कर देता, तुम्हारे पास पूरा चांस होता है उस ब्रीफकेस को स्वैप करने का। एक मैंने ओपन कर दिया, नंबर वन हो गया बाहर। नंबर दो तुमने बोला कि ओपन कर दिया जाए, तो मैंने तो भी ओपन कर दिया, तो भी बाहर हो गया। अब ये एक और दो नंबर हो गए बाहर, दोनों घटा दो। लाओ भाई आखिरी ब्रीफ केस है तुम्हारे पास, ब्रीफ केस नंबर सात। ले आओ भाई सात नंबर जल्दी से। सात नंबर में आज क्या होने वाला है जल्दी से बताता हूं। सात नंबर चैंपियंस के पास था, इसमें जो भी कुछ अभी बताता हूं। एक ब्रीफ केस और ओपन कर दूं, उसके बाद आखिरी मौका रह जाएगा तुम्हारे पास कि तुम स्वैप कर सको या ना करो। लाओ भाई चैंपियंस का आखिरी चांस, ब्रीफ केस नंबर चार तो लेकर आओ। और चार नंबर ब्रीफ केस चैंपियंस ने दिया था इंस्टाग्रामर्स को। अगर इंस्टाग्रामर्स जीत जाते 10 लाख रुपए इनके पास निकल जाते तो चैंपियंस ही जीतते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब है कि चैंपियंस के चारों चांसेस यहां इख्तिताम पजीर हो गए। ला भाई ब्रीफ केस नंबर आठ लेकर आओ। एक ब्रीफ केस मैंने और मार्केट से खत्म कर दिया, आठ नंबर में आज 2 लाख रुपए थे। अब तुम्हारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5 ब्रीफ केसेस है। सात नंबर तुम्हारा मेरे पास है, या फिर मैं यूं कहूं, नहीं पहले डिसाइड कर लो जल्दी से बताओ स्वैप करना है या नहीं करना है, स्वैप करना है या नहीं करना है। टाइम जा रहा है गाइस, टाइम जा रहा है गाइस, आखिरी 30 सेकंड्स बचे हैं प्रोग्राम खत्म होने में। 6 नंबर है टिकटॉकर्स के पास, और तुम्हें कौन सा नंबर दिया हुआ है, नंबर 9 है यूट्यूबर्स के पास। अगर इन तीनों में भी नहीं निकला और बाहर रह गया तो भी तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो, अगर इनमें से किसी के पास निकला तो ये दोनों भी जीत सकते हैं। जल्दी से बताओ स्वैप करना है या नहीं करना है। नहीं करना, नहीं करना? नहीं करना। अब स्वैप नहीं होगा। और आमिर ने स्वैप नहीं किया। लाओ भाई टिकटॉकर्स का ब्रीफकेस लेकर आओ। चैंपियंस इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे और स्वैप नहीं किया। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि टिकटॉकर्स हो गए बाहर, हटाओ से। और लाओ भाई जल्दी से जरा नंबर 9 के बारे में, चैंपियंस ने नहीं सोचा। और एक बड़े मजे की बात वो ये कि ये चारों टीम्स एक बात सोच रही हैं, वो ये कि शायद 7 नंबर में आज 10 लाख, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 7 नंबर में भी 10 लाख नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता है तुम लोग ये सोच के बैठे हुए थे, आज मैंने कुछ मुख्तलिफ तरीके से खेला है। हटा दो उसे। मैं क्या करूं, आपने स्वैप नहीं किया, अब स्वैप नहीं कर सकते। अब तो ये मैंने खोल के देख लिया, इसलिए मैं कहता हूं कि जितना अच्छा खेलना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी होती है अच्छी किस्मत। चैंपियंस यहां तक पहुंचे और आखिर में इन्होंने स्वैप नहीं किया, सिर्फ एक चांस था यूट्यूबर्स के पास, 4 चांसेस थे चैंपियंस के पास, लेकिन
जो जीता वही सिकंदर, यूट्यूबर सही जीते। इसका मतलब है कि जितने ब्रीफ केसेस इन्होंने मंगाए थे इसमें 10 लाख रुपए नहीं थे। किसमें गिरे? पांच में, पांच नंबर नहीं लेके रहो, 3 नंबर लेके रहो। ये मेरे दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए। आज किसी ने नहीं मंगाया और 3 नंबर में थे आज 10 लाख रुपए। इस जीत के साथ चैंपियंस की वापसी हुई है और चैंपियंस क्वालिफाई तो कर गए हैं, लेकिन अब एलिमिनेटर्स जब भी आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। तुम चारों टीम्स में से अब कोई भी जीत सकता है। चैंपियंस आज बहुत अच्छा खेले हैं और मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट इस बात की है कि जो हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे वो लास्ट सीजन में थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर खेल रहे हो या फिर तुम सारी टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये चारों टीम्स बराबर की हैं, कोई भी बेल्ट जीत सकती है। इसलिए मैं कल मिलने आऊंगा, देखना हरगिज ना भूलिएगा। टाइम तो आप लोगों को पता ही है ना, ठीक 7 बजे मिलते हैं। गेम शो ऐसे चलेगा।